बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। एतैकिक कर उठे होने लगी चर्चा तिन से, नित आवे दोई बखत रहे इन काम में, रहे इन काम में। इन समय भवानी भट्ट प्रणाम जी सुमर साहब जी, कल हमने बीतक में प्रसंग सुना था कि किस प्रकार श्री जी मंद सौर में सुंदर साथ को किस प्रकार से रहवे निर्गुण होए का जो कथन है उसको रहनी में उतारना है, वो समझाते हुए उज्जैन से होते हुए औरंगाबाद आए थे, और औरंगाबाद में राजा भाव सिंह की किस प्रकार से पहचान होने के बाद राजा भाव सिंह ने श्री जी को अपने हवेली में बुलवाया, मुकुंददास जी जाकर उनको लेकर आए और बहुत प्रेम से सेवा कर रहे हैं वहाँ पे, किरंतन उतर रहे हैं रास के, वो सुन के वो राजा बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपने नाम के अनुसार ही पूरे भाव में भीग के बहुत ही प्रेम से श्री जी की सेवा करते हैं। तब श्री जी ने जब देखा कि इनका ईमान पक्का है, एक बार उनको बताया कि देखो, जिसको हिंदू ग्रंथों में विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया है, उन्हीं को कतेब पक्ष में और हदीसों में क्या कहा गया है, आखरुल इमाम मोहम्मद महिदी साहिब उस्समा, और उन्हीं को अल्लाह ताला के रूह माना जाता है। अब क्या हुआ कि भाव सिंह ने कह दिया श्री जी को कि मुझे आपके स्वरूप की पूर्ण पहचान है, औरंगजेब के साथ युद्ध करने में भी मुझे कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, बस मेरी एक इच्छा है कि आप मेरे दरबार में चार मुसलमान अधिकारी हैं, उनको समझा दीजिए, अगर वो मान जाते हैं कि आप ही इमाम महिदी साहब हो तो मैं बादशाह से तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे कुरान का कुछ भी पता नहीं है, कुरान का ज्ञान मेरे पास नहीं है, तो अगर ये दरबारी मान लेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा उससे युद्ध करना, और वैसे भी युद्ध तो धर्म युद्ध करना था, हथियारों से तो करना नहीं था, क्योंकि मोमिन जब भी युद्ध करेंगे तो किससे करेंगे, ज्ञान रूपी तलवार से करेंगे। जैसे माया के हथियार है एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल, माया के इन सारे हथियारों से लड़ने के लिए हमारे पास कौन से हथियार हमारे प्रियतम ने दिए हैं, प्रेम सेना है अति बड़ी, और प्रेम कैसे आएगा, हम तो भूल चुके हैं उस प्रियतम के प्रेम को, तो कैसे हमारी सेना तैयार होगी, तो मूल का प्रेम हमें याद आएगा परम धाम के ध्यान से। परम धाम का ध्यान कैसे करेंगे जब हमें पता ही नहीं होगा कि वो प्रियतम कहाँ है कैसा है, यहाँ आके तो हम भूल गए हैं, और ब्रह्मांड में तो एते दिन त्रैलोक में उति बुद्ध सुपन, स्वप्न की बुद्धि थी, किसी को पता नहीं था, तो वो वाणी लेकर राज्जी आए और हमें समझाया, जिससे हमें पता चल जाएगा कि राज्जी का धाम स्वरूप लीला क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जिसको आज दिन तक इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रमाण में कोई भी नहीं जान सका था, वो राज्जी की मेहर से इस जागृत और निज बुद्धि की वाणी के ज्ञान के अवतरित होने के कारण हम बहुत ही आसानी से समझ गए हैं, और जैसे ही हमें पहचान हो जाएगी तो प्रेम आएगा ना, कैसे कि जब तक हमारी यहाँ पे कोई अगर आ जाए बाहर से और हम उन्हें ना जानते हो तो सेवा तो करेंगे शिष्टाचार निभाते हुए, लेकिन कदाचित वो हमारे सगे हैं, ऐसा कहीं से फ़ोन आ जाए कि वो तो तुम्हें पता है तुम्हारे बचपन के ये हैं वो है ये सारा कुछ करके, जैसे ही हमें संबंध का पता चलेगा तो प्रेम आ जाएगा, तो उसी प्रकार से वाणी से जो संबंध हमें भूल गया है वो याद आते ही क्या हो जाएगा, प्रेम आ जाएगा, कहीं प्रेम वस्तु थोड़ी ना है जो चला गया है और आना है, याद है जो बिसर गई है वो याद वापस आ जाएगी।
तो इसीलिए राजा भाव सिंह ने ये कहा कि आप इन दरबारियों को बता दीजिए, अगर वो मान लेते हैं तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तब श्री जी बोलते हैं ठीक है, आप क्या करना, उनको मेरे पास चर्चा के लिए भेजना। तब श्री जी साहिब जी ये कहया, सौंपो हमको मुसलमान, उन मुसलमानों को, चार मुसलमानों को आप मेरे पास भेजिए, तिनको हम समझाव ही वे ल्यावे ईमान, मैं उनको समझाऊंगा और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि वो पूर्ण रूप से ईमान लेकर आ जाएंगे। क्यों इतना दृढ़ दावा करके बोल रहे हैं, क्योंकि उस दिल में तो अक्षातीत प्रियतम बैठे हुए हैं, उनके लिए ज्ञान दृष्टि से किसी को भी समझाना नामुमकिन नहीं है। तो बहुत ही दृढ़ता पूर्वक बोलते हैं कि भेजो उनको। अब क्या होता है कि नित आवे दोए बखत, वो जो चार मोमिन है उसमें से किस प्रकार से वो आएंगे, कि श्री जी ने बोला हुआ है कि उनको दो बखत भेज देना, दो समय मेरे पास भेजना, और राजा भाव सिंह ने उनको बाकी सारे काम से निवृत्त कर दिया उन चारों को। उनको बोला कि आपका सबसे पहली प्राथमिकता वाला काम ये है कि आप जाओ और इनसे धर्म चर्चा करो और इनकी, इनके स्वरूप की पहचान करके मुझे जल्द से जल्द बताओ। अब क्या हुआ, उस समय भट्ट भवानी, मतलब भवानी भट्ट करके एक सुंदर साथ थे जो श्री जी को उदयपुर में पहले ही मिल चुके थे। वो क्या हुआ कि उसके बाद दक्षिण चले गए थे, जैसे ही श्री जी उदयपुर से इस तरफ निकले मंदसौर की तरफ, वो चले गए दक्षिण की तरफ। वहाँ से उनको दो धर्मशास्त्र मिले थे जिसका नाम है बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र। स्तोत्र किसे कहते हैं कि जिसमें उन आराध्य की स्तुति की जाए, उसको बोलते हैं स्तोत्र। तो इस प्रकार से जिसमें विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक की पहचान दी जाए उसको बोलेंगे बुद्ध स्त्रोत और बुद्ध गीता। जब भवानी भट्ट उनको लेकर राज्य के चरणों में रखते हैं, श्री जी के चरणों में रखते हैं, तो श्री जी बहुत खुश होते हैं और रोज़ चर्चा में अब उसी नए विषय से चर्चा होने लगती है, नई किताब से जो लेकर आए थे भवानी भट्ट उससे रोज़ ही चर्चा हो रही है। अब क्या हुआ, उन चार में से जब इस प्रकार से चर्चा हो रही होती है, इन समय अव्वल खान, तभी अव्वल खान आए। अब अव्वल खान कौन है, वैसे तो राजा भाव सिंह के दरबारी हैं जो चार दरबारियों को भेजने के लिए बोला था, उसमें से एक है अव्वल खान, लेकिन वो तो उदयपुर में श्री जी को मिल चुके थे जब बारात में गए थे, और उनको तो देखते ही पता चल गया कि ये तो कौन है, मेरे हाथ ही है, उन्होंने तो तारतम लिया हुआ था। तो अब क्या किया उन्होंने, उनको तो समझाना कुछ बाकी नहीं था, वो तो पहले से ही समझ चुके थे, अब बाकी रहे तीन। तो अब क्या हुआ, अव्वल खान जल्दी से दूसरे दो को भी लेकर आए। सबसे पहले मीन खान को लेकर आ गए, वो थे दूसरे दरबारी। मीन खान ने भी जैसे ही चर्चा सुनी उनको पूरा पूरा विश्वास आ गया, क्योंकि संशय करने जैसा है ही नहीं। जो सत्य हृदय से ज्ञान से पहचान करेगा, जिसका संबंध सिर्फ प्रियतम से है या जिसकी गरज ये है कि मुझे उस प्रियतम को पाना है, वो तो बहुत ही आराम से पढ़ लेगा उसे और स्वीकार भी कर लेगा। तो मीन खान ने भी स्वीकार कर लिया। देखिए सुंदर सार जी, कहाँ तो हिंदू हैं जो राह से भटके हुए हैं और स्वीकार नहीं करते हैं, औरंगजेब बादशाह है जिसमें सकुमार की आत्मा है और वो भी स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन ये मुसलमान ऐसे भी हैं कि जो तुरंत ईमान लेकर आ रहे हैं और किसी भी प्रकार का उनको संशय नहीं है। और मीन खान को ला आया ए ताबे हुआ तब, दज्जाल सो लड़ने लगा चाही लेने शोभा अब, कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि प्रियतम मुझे इस ब्रह्मांड में मिले हैं और इमाम मेहदी साहब के औरंगजेब के सामने युद्ध में मैं सहभागी बनूंगा। तो वो भी प्यार से स्वीकार कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि जो तीसरे थे अव्वल खान के बाद, मीन खान के बाद जो तीसरे थे जहान मोहम्मद, वो क्या थे कि मुसलमान के उस्ताद, मुसलमान पठान जो थे उनके उस्ताद थे, गुरु थे, जो उनको तालीम दिया करते थे, और वो कुरान की पूरी टिका उनको कंठस्थ थी, और इसीलिए उनके जो अनुयायी थे, जो पठान उनसे तालीम लेते थे, वो उनको प्यार से आरबी खान कहते थे, मतलब उनका इतना सम्मान था। अब सोचिए वो भी श्री जी के चरणों में जब आते हैं तो क्या होता है कि भवानी भट्ट डेढ़ पहर लो कथा कहे हुए फारक। उस समय श्री जी की दिनचर्या क्या थी वो बताया जा रहा है
कि भवानी भट्ट जो है वो सुबह 10:30 को 10 बजे के आसपास आ जाते थे, और जो नए ग्रंथ लेकर आए हैं बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र, उससे चर्चा होती है। और कब तक चर्चा होती है कि दोपहर के भोजन तक। फिर श्री जी भोजन करके थोड़े समय तक अपनी पीठ सीधी करते हैं और फिर क्या हो जाता है, दोबारा से चर्चा शुरू हो जाती है। और जब संध्या का समय होने को आता है, संध्या का शाम का, तो उस समय युगल स्वरूप का शोभा और श्रृंगार का वर्णन होता है। श्री जी बहुत प्यार से सुंदर साथ को शोभा श्रृंगार कहते हैं, परम धाम में ध्यान वापस ले जाते हैं। संध्या समय ये करवाने का मुख्य कारण क्या था कि जब हम इस ब्रह्मांड में आए थे तब भी रहया घड़ी 4 वही समय था, और इसीलिए उस समय खास याद करवाते हैं कि याद करो, जब हम उठेंगे ना तब भी वही पल होगा, और हमें जाना है सुखपालों में बैठकर हमारी जमुना जी में स्नान करने के लिए। तो श्री जी रोज़ संध्या को सबकी सुरता को राज्य के चरणों में लेकर जाते थे, बहुत प्यार से परम धाम की लीला का शोभा का वर्णन करते थे। और क्या हुआ कि चर्चा कुरान भागवत की होत है लटपट। इस समय एक तो कुरान पक्ष की चर्चा होती थी और भागवत की भी, हिंदू पक्ष की भी चर्चा होती थी, और सुंदर साथ उस आनंद में लोटपोट हो जाता था, मतलब ओतप्रोत हो जाता था, उस आनंद से बाहर ही नहीं निकलता था। तो शाम के समय में फिर श्री जी की बहुत ही प्रेम से आरती भी उतारी जाती थी, और फिर रात्रि को भोजन करके आहार लेकर फिर से चर्चा शुरू हो जाती थी। पूरी रात सुंदर सा चर्चा में बैठता था। तो जब ऐसी दिनचर्या में अव्वल खान ले आईया जहान मोहम्मद को, अव्वल खान मीन खान को पहले लेकर आए थे, अब लेकर आए हैं जहान मोहम्मद को, जो मुसलमानों का पठानों का उस्ताद था। उनको चर्चा सुनी मास दोए, लो उन्होंने 2 महीने तक चर्चा सुनी श्री जी की, घायल भया 3 मो, और उसको बहुत ही चोट लग रही है। लेकिन बाकी सब तो तुरंत ईमान लेकर आ रहे हैं सुंदर सार जी, लेकिन क्योंकि ये उस्ताद थे, इनके पास ज्ञान ज़्यादा था, तो उनको समझाने में समय लग रहा है। क्यों? जैसे कि आपको एक स्लेट दी जाए जिस पे कॉपी हो, जिसमें कुछ भी लिखाना हो, तो उस पे लिखना आसान होगा, लेकिन पहले से लिखा हुआ हो तो उसको पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद नया कुछ लिखा जा सकता है। इसीलिए जिसके पास पहले से ज्ञान होता है उसको समझाने में थोड़ी विलंब हो रही है, थोड़ा समय लग रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है सुंदर सार जी कि हमें ज्ञान नहीं ग्रहण करना चाहिए, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि सत्य ज्ञान क्या है। ज्ञान की खोज में ही तो वो श्री जी के चरणों में आए हैं, है ना। तो ज्ञान तो लेते रहना चाहिए, लेकिन शुष्क शाब्दिक ज्ञान नहीं लेना चाहिए कि सिर्फ हम रट्टा लगाते जा रहे हैं, उसको जीवन में नहीं उतारते हैं, ऐसा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। उस वैसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं होता है। तो अब क्या हुआ, जब 2 महीने तक उन्होंने चर्चा सुनी तो एक बार क्या हो गया कि पर था अरद पक्का, उसका ईमान अभी पूर्ण तरह से पक्का नहीं हुआ था। सुनी लीला फिरी सूरत, लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भई उन वक़्त। लाल दास जी और उत्तम दास जी एक बार परम धाम की लीला का वर्णन करने लगे उनसे, और लीला का वर्णन करते करते क्या हो गया, उनके मुख से युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का भी वर्णन हो गया। जैसे ही उन्होंने अल्लाह ताला की सूरत का वर्णन किया, बयान किया, तो इनको क्या हो गया, जोश आ गया जहान मोहम्मद को। क्यों जोश आ गया? क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि खुदा की सूरत का बखान करना या बयान करना सिर्फ और सिर्फ खुदा ही कर सकते हैं, खुदा के अलावा अगर कोई करेगा तो उसको काफिर कहा जाएगा। तो अब जहान मोहम्मद को जोश आ गया, उन्होंने बोला कि आप लोग तो काफिर हो, क्योंकि जो इतने पुराने संस्कार होते हैं वो तुरंत तो नहीं जाएंगे। तो ज्ञान तो था लेकिन ईमान पक्का ना होने के कारण उनको जोश आ गया, और उन्होंने कहा कि आप तो काफिर हो, मैं यहाँ का पानी भी नहीं पीऊँगा, अब मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से रवाना हो गए। अब उत्तम भाई और लालदास जी को बड़ा दुख हुआ कि 2 महीने तक श्री जी ने इनको ज्ञान चर्चा करी, ये नहीं मानेंगे तो 4 दरबारियों में से तो एक है ये, और हमारी जल्दी के कारण ये गलती हो गई है, ये बहुत ही
बड़ा हमसे गुनाह हो गया। तो इस प्रसंग से हमें क्या सीख लेनी चाहिए सुंदर सर जी, किसी को भी समझाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जिसको जितनी भूख है उतना ही परोसना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा उसमें डाल दीजिए, है ना। तो आराम आराम से पहले उनको सुनो, समझो कि वो क्या समझना चाह रहे हैं, कौन सी चाह से आए हैं, उसी हिसाब से उनको खिलाया जाए। अगर हमारे पास हीरा हो तो हम संभाल के रखते हैं, सबको नहीं दिखाते फिरते हैं, जिस पे हमें विश्वास आ जाए ना उसी को दिखाते हैं। तो राज्य तो हमारे सर्वस्व है, उनको ऐसे ही नहीं सब में बांटना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वाणी को ढांपे रखें, लेकिन धीरे धीरे से समझाना है। एकदम से दे देंगे तो वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर प्राथमिक कक्षा का कोई विद्यार्थी है और हम पीएचडी का ज्ञान सुनाएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे से अब क्या हुआ, उत्तम दास अरज करी, उत्तम दास श्री जी के चरणों में गए और बोल रहे, श्री जी हमसे ये गलती हो गई है, अपराध हो गया है। देखिए उत्तम दास जी छिपा नहीं रहे हैं, श्री जी से जाके स्वीकार कर रहे हैं कि हमें ये गलती हुई है। और अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है सेवा में तो हम स्वयं ही सद्गुरु से छिपा देते हैं और दूसरों को भी कहते हैं, सिफारिश करते हैं कि तू अगर मेरा सच्चा मित्र है तो उनको मत बताना। नहीं, अगर हम अपने अवगुणों को सद्गुरु महाराज के सामने नहीं बताएंगे तो हमें कौन, हमारे अवगुणों को कौन दूर करेगा। हमें तो उसको स्वीकार करते हुए उसको सुधारना है, क्योंकि बीतक का प्रसंग सबने आप सबने सुना होगा कि इंद्रावती जी की आत्म ने क्या किया था। देवचंद्र जी के पास बार बार जाकर बोल रहे थे ना, मेरे अवगुण बताओ, मेरे अवगुण बताओ, और अवगुण बता नहीं रहे थे तो उनको लग रहा था कभी गहने लेकर आते हैं, कभी कुछ संपत्ति, कभी कुछ संपत्ति, और फिर उतरते आहार घटाइया सारा कुछ छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उनके सद्गुरु महाराज ने क्या बोल दिया था देवचंद्र जी ने, कि आत्मा तो तुम्हारी निर्मल परम धाम की और जीव में तो सबके विकार रहते हैं। तो अगर हमें सुंदर सार जी सामने से कोई अवगुण बताता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे प्रियतम ये मेहर कर रहे हैं, क्योंकि गुण तो पूरी दुनिया गाएगी, अवगुण बताने वाले कोई विरले ही होंगे, और जो अवगुण बता रहा है वही हमें आगे लेकर जाएगा। जो हमारी झूठी या सच्ची प्रशंसा करते हैं वो तो हमें अहंकार दे सकते हैं, और वही अहंकार तो हमारे और प्रियतम के बीच में पर्दा हो जाएगा। तो उत्तम भाई इसीलिए जाते हैं और श्री जी को बताते हैं कि श्री जी हमसे ये गलती हो गई है, और बर्जा और क्या बोलते हैं कि बुला लाओ मोहम्मद जहान, अगर आप बोलते हो तो मैं जहान मोहम्मद के घर पे जाके उसको मना के लेकर आता हूँ। तब श्री जी उनको क्या बोलते हैं, बर्जा श्री जी साहब ने, श्री जी साहब जी उनको रोकते हैं कि नहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, इनने सुनी चर्चा कान, इन्होंने 2 महीना चर्चा सुनी है, वो रह नहीं पाएंगे, वो अपने आप ही आ जाएंगे, अभी आप उनको मत छेड़ो, अभी आप उनको छोड़ दो। और जैसे श्री जी ने कहा था प्रातः को उठ दौड़ेगा, कि वो सुबह ही उठ के आएगा, चिंता मत करिए। और वो दूसरे दिन सुबह ही श्री जी के चरणों में आ गए, दिन दूसरे आइया श्री जी साहेब जी के पास, फिर से उनके चरणों में आ गए हैं, मुझे क्यों ना समझावत। और बहुत प्रेम से श्री जी को बोलते हैं कि बाकी सब तो इतने जल्दी समझ जा रहे हैं, आप 2 महीने से मैं चर्चा सुन रहा हूँ, मुझे क्यों अपने स्वरूप की पहचान नहीं दे रहे हो। और श्री जी के चरणों में गिर गए हैं। अब श्री जी उनको क्या बोलते हैं, अब उनकी जो उस्ताद वाली जो ज्ञान का अहंकार था ना वो आ गया है नीचे, अब वो बन गई है रू और राज्य से प्रार्थना कर रही है कि मुझे पहचान करवाओ। तो श्री जी उसको सांत्वना देते हैं कि शांत हो जाओ, 8 दिन दो मुझे और 1 पहर तक चर्चा सुनो, और फिर मुझे बताना अगर तुम्हें पहचानना हो तो। आया चर्चा सुनने, और वो अभी आने लगा चर्चा सुनने के लिए, और क्या हुआ, चर्चा सुन रहे तो प्रश्न कर दिया श्री जी को उसने कि श्री जी मुर्दे क्यों कर उठेंगे, कुरान में जो लिखा है कि कब्रों से मुर्दे उठेंगे वो कैसे उठेंगे, बखत रोज़ क्यामत, क्यामत का बखत आप बोल रहे हो कि आ गया है, आप इमाम मेहदी हैं तो कब्रों से मुर्दे कहाँ उठ रहे हैं, आप बताइए कि उसका अर्थ क्या है और कैसे और कहाँ से वो उठेंगे। अब क्या हो रहा है सुंदर साहब जी, श्री जी उनको कुरान से ही, उनको कुरान की पूरी टीका याद है, लेकिन उसके सिर्फ शब्दों का ज्ञान है, बातनी अर्थ उनको नहीं पता है, और श्री जी उनको प्यार से समझा रहे हैं उन्हीं के ग्रंथ से।
और हम लोग भी तो ऐसे ही है ना कहीं सुंदर सर जी, हमारे पास जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का ज्ञान है, लेकिन तोते की तरह हम रट्टा लगाना ही अपना सब कुछ समझ लेंगे तो किस प्रकार से वो दवाई हमें असर करेगी? उसको हमें जीवन में आत्मसात करना ही पड़ेगा। दवाई जैसे जैसे पीते जाएंगे तभी तो हमारे ये जो फरामोशी वाली निद्रा है वो दूर होती जाएगी, हमें सावचेती आती जाएगी, तभी तो हम स्वयं की आत्मा को जागृत कर पाएंगे और जब हम राज जी को देख पाएंगे तभी तो पूरे दुनिया को दीदार करवा पाएंगे। नहीं तो ऐसे कैसे ही हम उठी उंगाती ले, हम क्या करेंगे, उबासी लेते हुए परम धाम में उठेंगे और फिर अब दोबारा से आना नहीं है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक ये प्रश्न पूछा और अब श्री जी उनको कुरान से समझा रहे। कैसे समझा रहे, तो इसमें पूरी बीतक श्री जी संक्षिप्त में वर्णन कर देते हैं और कुरान से समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं, सबसे पहले कि तुम याद करो, सबसे पहले क्या हुआ था, इश्क रबत के वास्ते उतर आए मोमिन, कि इस ब्रह्मांड में इश्क रबत का जो वार्तालाप हुआ परम धाम में खुदा के साथ, रूहों ने कहा कि हमारा इश्क ज़्यादा है और खुदा ने कहा हमारा। अब रबत को हम क्या समझ लेते कि झगड़ा हुआ, ये झगड़ा नहीं है। यहाँ के प्रेम में भी लैला और मजनू, श्री फरहाद, मीरा और कृष्णा, उनके बीच में भी झगड़ा नहीं होता है। तो परम धाम के प्रेम में झगड़ा हो सकता है, वहाँ तो झगड़े की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो रबत मतलब क्या था, कि यहाँ पे भी हम किसी को प्रेम करते हैं ना, तो जैसे बच्चा हो माँ का, तो वो माँ को बोलेगा माँ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, माँ बोलेगी मैं तुझे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो बच्चा बोलेगा नहीं, मैं तुझे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यही बात हो रही है, प्रेम में कोई भी अपने प्रेम को कम नहीं आंकना चाह रहा है, वहाँ पे अहंकार नहीं होता है, लेकिन वही तो आशिक कहा जाता है, जो बोले कि अगर मेरा प्रेम कम है फिर तो वो हार गया। प्रेम तो बढ़ता बड़े दायम, प्रेम की तो निशानी पहचान ही है कि वो हर पल हर घड़ी आशिक और माशूक के हृदय में बढ़ता ही जाएगा। तो इसी का दावा करते हुए राज जी बोल रहे कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मेरा प्यार ज़्यादा है, और रूहें बोल रही है हमारा प्यार ज़्यादा है, रोहर्रा बोल रही हैं, श्यामा जी बोल रही है हमारा ज़्यादा है। तो इसमें कोई झगड़ा नहीं था जो यहाँ का होता है, वो तो प्रेम की एक बातचीत थी। और तब धनी ने सोचा कि इनको हमारा पूर्ण स्वरूप दिखाते हैं, ताकि ये जब एक और प्रेम में हमें पता चल जाए कि हम जीवन भर मरने के बाद भी अलग नहीं होने वाले हैं, हमेशा एक ही रहेंगे। तो लैला मजनू को अगर पता चल गया होता कि लैला से मैं कभी अलग नहीं हूँ, अगर अखंड रिश्ता है लैला के साथ मेरा, तो कैसा होता उसका प्रेम, तो कैसी उसकी खुशी होती। तो राज जी ने भी यही सोचा कि ये मुझे अभी भी अलग समझ रही है, मैं उनको पूर्ण स्वरूप की पहचान करा देता हूँ कि हम अलग नहीं हैं, उनके रूपों में भी मैं ही लीला कर रहा हूँ, ये जानने के लिए इस ब्रह्मांड में हम आए। अब क्या होता है कि वो बताते हैं कि हम 2 बार आए इस ब्रह्मांड में, इससे पहले पहले आए हम व्रज में जो काल माया के ब्रह्मांड में था, दूसरी ब्रह्मांड था योग माया का, जहाँ हम रास में गए और हमारी उम्मीदा पूरी नहीं हुई। तो उससे पहले रसूल साहब आए कुरान लेकर, और जब रसूल साहब आए तो उन्होंने क्या बोला, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, और उन्होंने कहा कि मैं अंत में आऊँगा, जब इमाम मेहदी आएंगे उनके साथ उनकी रूहें आएंगी तब मैं भी आऊँगा। और उन्होंने क्या करा था, करी शरत 10 ही 11 ही, कि 10वीं सदी के अंत में 11वीं सदी के शुरुआत में हम आवेंगे। फिर रसूल साहब ने कुरान में कहा कि मैं दोबारा से आऊँगा, क्योंकि रसूल साहब कौन है, अक्षर की आत्मा ही तो है, जिसने कृष्ण के तन में लीला की थी वही रसूल बन के अब आए हैं परम धाम में, और कोई है, अक्षर ब्रह्म है, रूहें हैं, श्यामा जी और राज जी है, राज जी खेल दिखा रहे हैं, श्यामा जी और रूहें तो अभी परम धाम में गई है रास देख के, तो आएगा कौन संदेश लेकर, अक्षर की आत्मा, तो वो ही आ रहे हैं। और क्या किया, उन्होंने बोला कि 10वीं 11वीं सदी में मैं आऊँगा, जो रूहें थी ब्रज रास में, और ब्रज रास में जब हम रूहें बन के आए थे जो वहाँ पर आई थी, सो आवे दूजी बेर, वो अब दोबारा से कहाँ आएगी, जागनी के ब्रह्मांड में आएगी। तब काजी हुए कि और क्या होगा, जब वो जागने के ब्रह्मांड में आएगी तो उनका न्याय उस प्रियतम के हाथ में होगा और अकले भई लोक में, और यहाँ पर जागृत बुद्ध और निज बुद्धि का ज्ञान लेकर वो इमाम मेहदी आएंगे, 14 तबकों में, मैं भी उनके साथ आऊँगा, और ऐसा ज्ञान आज दिन तक इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी नहीं था, ऐसा ज्ञान लेकर आएंगे वो।
ये कुरान में रसूल साहब ने लिखा है, अक्षर अक्षरातीत बिन। और जब उस ज्ञान का इस दुनिया में आना हो जाएगा और जो उस ज्ञान से समझ लेगा उसका क्या होगा, अक्षर और अक्षरातीत के बगैर रहे न कोई और। दुनिया के लिए अक्षर और अक्षरातीत की भक्ति ही सब कुछ हो जाएगी और बाकी सारे अन्य देवी देवता की पूजा जो कर रहे हैं, जड़ की पूजा कर रहे हैं, उन सब से वो अलग हो जाएंगे। सबके लिए वो अक्षरातीत प्रियतम ही रह जाएंगे, नूर और नूर तजला। और इन्हीं को कुरान में कहा गया है, अक्षर ब्रह्म को कहा गया है नूर और नूर जमाल, और अक्षरातीत को कहा गया है, राज जी को कहा गया है नूर तजला। जब नींद उड़ी नूर जलाल की, और जब जागने का वक्त नज़दीक आ जाएगा, जब नींद उड़ी नूर जलाल की, अक्षर ब्रह्म की नींद दूर हो जाएगी, मतलब वो जागृत हो जाएगा, तब क्या होगा, उठ बैठे अक्षर, तब योग माया में अक्षर ब्रह्म की जागृति होने के बाद वो अक्षरधाम में जागृत हो जाएंगे, तब धाम को याद करे। और क्या होगा, जैसे हम कोई स्वप्न देखते हैं तो जागने के बाद याद करते हैं ना, अगर कोई विशेष सपना हो तो, उसी तरह से अक्षर ब्रह्म भी उसको याद करेंगे, क्योंकि उनकी उन्होंने तो देखना चाहा था ना कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत सोच सुध अक्षर को नहीं पिया किन्वित के लिए करत, तो उन्होंने देखना चाहा था कि परम धाम में कैसे इश्क रवत होता है। तो जब उनको पता चल जाएगा, जागृत हो जाएंगे, तो उनके दिल में ये याद आने लगेगी कि अरे वाह, राज जी ने तो कितना अच्छा खेल में जाकर पूरा कुछ तो दे दिया परम धाम का ज्ञान। तो वो ज्ञान को याद करेगा और क्या हो जाएगा, पूरा कुछ सारा कुछ उसके दिल में अखंड हो जाएगा। जब उठने के बाद अगर हमें काफ़ी स्वप्न तो हम भूल जाते हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, कोई कोई स्वप्न हमें हमेशा के लिए याद रह जाते। तो वो बोल रहे कि अक्षर के दिल में ये सारी आठों बीस में सारे जो जीव हैं वो अखंड हो जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं कि अब आइए प्रश्न पे, क्योंकि श्री जी ये सब क्यों समझा रहे हैं, जहान मोहम्मद को समझा रहे हैं ना, उन्होंने प्रश्न किया है। तो श्री जी बता रहे हैं कि ये शरीर और संसार जो है यही है कब्र, और इसमें आई है जीव के ऊपर ब्रह्मात्मा। जीव को भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, और सृष्टि का जब अंत हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, वो भी मुर्दे के समान है। और अंदर आई जो आत्मा है वो भी भूल गई है कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा मूल संबंध किससे, मेरा प्रियतम कौन है, भूल गई है ना। श्यामा जी खुद भी भूल गई थी कि मैं कौन, कहाँ थे आईया, कहाँ है मेरा भरतार, उनको भी नहीं पता था। तो जब ये जीव और आत्मा सो रहे हैं, उन पर फरामोशी का पर्दा है, तो कहा जाएगा कि ये शरीर और ये संसार रूपी जहान में जो शरीर है वो मुर्दा है और वो कब्र है, और इस मुर्दा शरीर के अंदर क्या है, आत्मा सो रही है, वही मुर्दा है, वो जीव ही मुर्दा है। और खड़ा होना किसे कहा जाएगा, जैसे ही ज्ञान उसे प्राप्त होगा तो वो जग जाएगा, ज्ञान की दृष्टि से खड़ा हो जाएगा, तो उसे सारी पहचान हो जाएगी। तो उसे ही कहा गया है कि कब्रों से, शरीर रूपी कब्र से मुर्दा जीव जो है, जो माया में ही गुजरान कर रहा था, वो धनी की तरफ जिंदा हो जाएगा, अपनी असल को जान जाएगा। और जब इस प्रकार से श्री जी ने कुरान की साक्षी देकर उनको समझा दिया, तो उनको तो शाब्दिक ज्ञान तो पता ही था कुरान में ये सब लिखा है, और जैसे ही उनको उसका बातनी भेद पता चल गया, तो अब क्या हो रहा है, वो तुरंत श्री जी के चरणों में झुक गए और कहने लगा, ए दरवाज़ा खोलते जोश आया, जोर उनको जोश आ गया, और उन्होंने कहा कि ऐसे चर्चा सुनते सुनते लाया दिन, तीसरे ही दिन इस प्रकार से चर्चा सुनते सुनते जहान मोहम्मद लाया ईमान, उनको ईमान आ गया, उनका ईमान विश्वास दृढ़ हो गया, और उन्होंने बोला कि हकीकत मार्फत की मुझे सारी पहचान श्री जी आपकी मेहर से हो गई है, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ, तीन दरबारी हो गए हैं सुंदर सात जी, चार को समझाना था, उसमें से अव्वल खान तो पहले ही तारतम लिए हुए थे, मिहिन खान भी आ गए, और अब जहान मोहम्मद भी आ गए। लेकिन जहान मोहम्मद कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वो तो थे तालीम देने वाले, उस्ताद थे मुसलमानों के। तो क्या हुआ, ये तीनों अब रोज़ चर्चा सुनने आ रहे हैं, तो जब हमारा गुरु ही कहीं पर चला जाए तो चेलों को ज़रूर तकलीफ़ होती है ना। तो इनको लगा कि अगर, और वो भी हिंदू वैरागी के चरणों में जा रहा है मुसलमान उस्ताद, तो उनके जो शागिर्द थे, उनके जो शिष्य हैं, उनको बुरा लगने लगा कि उन्होंने क्या किया। और बाकी मुसलमान भी आने लगे, तो कोई कोई तो परखने के लिए आने लगे कि देख के आते अगर हमारा उस्ताद गया तो क्या है, और कोई कोई उनकी निंदा भी करते हैं।
और क्या हुआ इस समय कि जब जोश में चर्चा करते हैं श्री जी तो जान मोहम्मद को भी जोश आ जाता है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं कि जैसे इस शरीर का कष्ट उनसे सहा ही नहीं जा रहा है, उनको परम धाम की और राज्य की इतनी याद आ जाती है चर्चा करते कर सुनते सुनते कि उनको जोश आ जाता है। तब श्री जी उनको बहुत प्रेम से सिर पर हाथ रख के प्रेम पूर्वक बिठाते हैं, फिर से चर्चा होती है, फिर उनको जोश आ जाता है, फिर श्री जी उनको ठंडा करते हैं। इस प्रकार से यों चर्चा रात को हो गई, इसी प्रकार से पूरी पूरी रात चर्चा होने लगी और आनंद मग्न होकर मुसलमान और हिंदू एक साथ चर्चा सुन रहे हैं। जाति का कोई भी वहाँ फर्क नहीं रह गया है, सारी ब्रह्मात्माएँ स्वयं को याद करके मूल मिलावे में जैसे गलबैया डाल के राज्य से बातें करती हैं, वैसे ही यहाँ पर श्री जी के मुखारबिन से उस आनंद को लेने लग गई है। अब क्या होता है, और चर्चा करते करते ही सुबह भी हो जाती है और इस प्रकार की लीला पूरी रात चर्चा, दिन चर्चा, अष्ट प्रहर की बीतक इसी प्रकार से 4 महीने तक चलती रही। और अब क्या हुआ कि चौथा जो दरबारी है वो क्या था कि पठान फतेह मोहम्मद, वो है राजा का दीवान, राजा बाब सिंह का दीवान था। अब क्या हुआ, उसको जब पता चला कि इस प्रकार से सारे उनके चरणों में चले गए हैं और जहान मोहम्मद रोज़ वहाँ चर्चा सुनने जाता है, इतना बड़ा उस्ताद और उनके चरणों में झुक रहा है, तो उसने क्या किया, अब उसने जहान मोहम्मद को कहा कि कर दे वैरागी की पहचान, मुझे इस वैरागी की पहचान करवा दे, अगर तू करवा देगा तो मैं लिख के दे दूंगा, मैं मान जाऊँगा कि ये इमाम मेहदी आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा है। और उसके लिए उसने क्या किया कि 40 प्रश्न लिख कर दिए और जहान मोहम्मद को कहा कि ये 40 प्रश्न हदीस के हैं जो मैं लिख के तुम्हें दे रहा हूँ, और अगर श्री जी इसका यथोचित जवाब दे देते हैं तो मैं स्वीकार कर लूँगा कि होवे खाविंद जमाने का, ये सच में वही जमाने का खाविंद है जिसके विषय में कुरान में लिखा गया है। अब क्या था, जहान मोहम्मद ने बोला कि क्या देर है, वो लेकर दौड़े दौड़े श्री जी के पास गए तो श्री जी ने उनको कहा कि तुझे 4 महीने होते हो गए हैं चर्चा सुनते सुनते, इसका उत्तर तो तू ही दे सकता है। श्री जी उनको तारतम्य देते हैं और उन्हीं के मुख से सारा बयान करवाते हैं। अब देखिए सुंदर सा जी, जब श्री जी उनको तारतम्य देते हैं तो अभी काफ़ी सुंदर साथ ऐसे हैं हमारी समाज में कि जो क्या करते हैं कि तारतम मंत्र है उसको कानों में बोलना है, उसका उच्चारण नहीं करना है। अब सोचिए सुंदर साहब जी कि ये तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे उन्होंने ये नियम बना दिया था कि शूद्रों को, नीच जाति वालों को या स्त्रियों को गायत्री मंत्र वगैरह नहीं सुनाना था, अगर सुन भी लेता था ना कोई या बोल भी देता था उनकी जीवा काट दी जाती थी, कानों में शीशा डाल दिया जाता था। ये तो वो सारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जिनके उदाहरण हम पहले सुन चुके हैं कि कैसे ब्राह्मण थे, और उनकी राह पर चलते हुए क्या हुआ कि सुनने ही ना पाए इसलिए कानों में मंत्र देना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम सोचें कि मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले जब बांग पुकारी जाती है तो वो मुनारे पर चढ़ के बांग देकर बहुत ही फक्र से पुकारते हैं लाउड स्पीकर में, दुनिया में भी अब सारे मंत्र जाहिर करने लगे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कानों में फूंक मारेंगे। और हमारे मंत्र में तो किसकी बात कही गई है, हद बेहद से परे उस परम धाम की बात कही गई है, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, उस प्रियतम परमात्मा की अक्षरातीत की पहचान करवाई गई है, जिस अक्षरातीत की पहचान से तो पूरे ब्रह्मांड को ही अखंड मुक्ति मिलनी है। और अगर हम उसको कानों में कहेंगे और हम कहेंगे कि उसको बोलने से उसकी शक्ति कम हो जाती है, सच में मंत्र के शब्द में कोई शक्ति होती है क्या, उसमें जो ज्ञान होता है, शब्दों में जो ज्ञान छिपा है उसमें शक्ति होती है, क्योंकि वो ज्ञान जब हम जीवन में उतारते हैं तो हमें उस राह पर चलने में आसानी होती है और हम उस प्रियतम परब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और उसकी शक्ति कभी कम नहीं होती है। अगर हमने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा हुआ है, जो पूरे ब्रह्मांड को अखंड करने का ज्ञान है, जिसको हमें एक एक चेतन प्राणी तक पहुंचाना है, उसी को हम कान में बोलेंगे, उसी वाणी को हम कपड़े में लपेट के रखेंगे, तो किस प्रकार से हम जागने की लीला करेंगे।
ना हम स्वयं की जागने कर पाएंगे, ना सुंदर साथ समाज की और ना ही प्रवाहियों की कर पाएंगे। तो ये जो कुरीति हमारे समाज में है उसको हमें ना मानना चाहिए और ना दूसरों को मानने देना चाहिए। हमारे जो भूले भटके सुंदर साथ हैं उनको इस बात की वास्तविक पहचान करवानी चाहिए। तो अब क्या होता है, श्री जी उनको तारतम दे देते हैं और तारतम से उनको पूर्ण रूप से पहचान हो जाती है और वो बहुत ही प्यार से हदीसों के प्रश्न खुद ही उनको समझ में आ जाते हैं और वो दौड़ के जाते हैं किन के पास, जल्दी से उनको पहचान करवानी है ना फतेह मोहम्मद को, तो चले उनके पास और क्या बोल रहे हैं, फतेह मोहम्मद को बोल रहे हदीसों भय मायने, अब तो तेरे जो 40 प्रश्न थे उसके जवाब आ गए हैं, अब तुम्हारा क्या बसा है, अब तुम्हारा क्या कहना है, तुमने जो प्रश्न पूछे थे सारे जवाब मिल गए हैं और तुम जानकार हो, अब तुम्हारा क्या कहना है। तो क्या बोल रहे हैं, तब फतेह मोहम्मद फेर कहया जो लो पादशाह न आवे बीच दिन। देखो अब क्या वो कर रहा है, ये अब बोल रहे हैं कि जब तक पादशाह मतलब औरंगजेब इस बात पर ईमान लेकर नहीं आते हैं और श्री जी के चरणों में नहीं आते, वो नहीं जब तक स्वीकार करता है कि ये इमाम महदी है, तब तक इस शरीयत के राज में तोलो आगा हम क्यों करें। तेरी बात सच है, जाहिर कर हम ना सके, लेकिन हम अभी उसको जाहिर नहीं कर सकते हैं। सरा जाहिर परस्त बुजरत, अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो शरीयत के मुसलमान मुझे मार डालेंगे। तो बात तो सत्य है, लेकिन जब तक बादशाह इस पर ईमान लेकर नहीं आएगा तब तक मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और क्या हुआ, तोलो आगा हम क्यों कर करे पहले क्यों ले आवे ईमान, बादशाह से पहले मैं ईमान लेकर नहीं आ सकता हूँ। सुंदर साहब जी, हमें ये सुन के ऐसा लगता है कि अजीब है, ये मान क्यों नहीं रहा है जब ज्ञान से पता चल गया, लेकिन हम सोचे ना कि हमारी स्थिति क्या है। आज हमारे समाज में काफ़ी सुंदर साथ ऐसे हैं जो ज्ञान से समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं कि सत्यवाणी को कौन फैला रहा है, कौन है जो सत्य राह पर लेकर जा रहा है, ध्यान के मार्ग पर लेकर जा रहा है, जो श्री जी ने दिखाया है। अभी भी तो श्री जी पन्ना जी में गुम्मट जी में विराजमान होकर ध्यान ही कर रहे हैं और हमें भी उसी राह पर लेकर जाया गया है, लेकिन जो हमें उस राह से गुमराह करते हैं, ऐसे महाराजों से, ऐसे सुंदर साथ से हम क्या रिश्ता रखने के लिए। हम बोलते हैं बात तो आप सच कह रहे हो, लेकिन जब तक हमारे गुरु महाराज, हमारे हम जिसे मानते हैं वो आपको नहीं मानते, या वो जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करते या हमें अनुमति नहीं दे देते, तब तक हम नहीं आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी कैसे हैं, फतेह मोहम्मद के जैसे ही हैं। और क्या हुआ, जहान मोहम्मद को जोश आया, वो क्या बोल रहा है, जो जहान मोहम्मद कह रहा है ना सुंदर साहब जी, वो हमारे लिए भी है। अगर हम भी ऐसे महाराज या गुरुओं को प्राथमिकता देते हैं, राज्य से ज़्यादा महत्व देते हैं, राज्य का स्वरूप जो साक्षात इस वाणी में बैठकर विराजमान होकर हमें कह रहा है, उस वचनों को ना मानकर हम लौकिक महाराजों को या गादी को ही सब कुछ समझ रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये सीख है। क्या बोल रहा है जहान मोहम्मद, तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, तुम ये बताओ कि तुम्हारा ईमान इस लौकिक बादशाह के ऊपर है या उस अल्लाह ताला पे है। तुम जो मुसलमान कहला रहे हो, जिस कुरान को मानने वाले कहला रहे हो, तुम जिस मोहम्मद साहब के अनुयायी कहला रहे हो, तुम्हारा ईमान उस रसूल पर, उस मोहम्मद पर है, उसके कहे हुए वाक्यों पर है, कथनों पर है, कुरान पर है, या फिर इस बादशाह पर है जो शरीयत थोप रहा है सब पर और मुसलमानों खुद को मुसलमान कहलवा कर किसको गुमराह कर रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, उनको दुख दे रहा है, उनको मार रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है और ज़बरदस्ती सबका धर्म परिवर्तन करवा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा तुम क्यों कहो जब देखो हक पहचान, जब तुमने इनके स्वरूप की पहचान कर ली है, या तो तुम्हें पहचान ना होती, जब वाणी से कथनों से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, तुमने पहचान कर ली, फिर तुम क्यों बादशाह से डर रहे हो। वो बादशाहों का भी बादशाह है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, और तुम एक ऐसे छोटे बादशाह से डर रहे हो जो शरीयत को मानने वाला है, और वो परमात्मा को, उस अल्लाह ताला को तुम छोटा कर रहे हो उनके सामने, और फिर भी उसमें
अकल नहीं आती है, जैसे हम में नहीं आती है कि हम महाराजों को, घाती को, उनके कथनों को ही सब कुछ मानते हैं और उस इतना ज़्यादा मान लेते हैं कि राज्य की वाणी से हमें पता चलने के बाद भी हम उस आवाज़ को नकार देते हैं जिस दिल में बैठ के हमारे प्रियतम ये भेद खोल रहे हैं, उस स्वरूप को भी नकार देते हैं और उस रूप की भी निंदा करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो सुंदर सा जी, हम सोच ले कि हम उस राज्य के साथ हमारा मूल निस्बत हमें निभानी है या महाराजों के साथ। और जहान मोहम्मद को क्या आ गया, जोश आ गया और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब क्या हुआ, तुम मने करो जहान मोहम्मद। अब क्या हुआ, फतेह मोहम्मद जाता है और जब उसका कुछ नहीं चलता है तो बाकी पठानों को भड़काता है। जहान मोहम्मद जिसको तालीम देते थे उन पठानों को जाकर नूर मोहम्मद ने बहका दिया कि ये तो हिंदू कोई वैरागी है, उसको ही इमाम मेहदी समझ के उनके पास जा रहे हैं। स्वरूप की पहचान करते हुए भी भटका रहे हैं दूसरे मुस्लिम को, खुद तो नहीं मान रहे और दूसरों की राह को भी भटका रहे हैं, इन्हीं के लिए काफिर कहा गया है। और क्या हुआ, वो सारे पठान मिलकर जहान मोहम्मद को मना करने लगे कि आप ऐसी इनकी चर्चा सुनने मत जाओ। अब क्या हुआ, लड़ाई होने लगी। जैसे महाराज हमें मना करते हैं ना, मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, उसी तरह से उनको जहान मोहम्मद को रोकने लगे। लेकिन जहान मोहम्मद बिल्कुल भी हमारी तरह नहीं है। उन्होंने क्या बोला सुंदर साथ जी, कि लड़ाई होने लगी, वो बोल रहा है कि मैं मर के भी जाऊँगा। और श्री जी उसको समझा रहे कि तुम इनसे ना उलझो, ये पठान जो है ये शरीयत के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के हैं और ये कैसे हैं, जाहिलों का बाप है, मतलब ये अनपढ़ गवारों के भी बाप है, उसमें भी शिरोमणि है, इनसे मत उलझो, इनको छल, इनसे छले छूटिए, इनको तो छल से ही जीता जा सकता है, उनके सामने युद्ध करके नहीं जीता जा सकता है। और सुनिए सुंदर साथ जी, ये जवाब सुनने जैसा है, जो सुंदर साथ महाराजों के या किसी के भी भटकाने से भटक जाते हैं, सत्य राह को नहीं पकड़ते हैं, उनके लिए जहान मोहम्मद क्या सीख दे रहा है। जहान मोहम्मद श्री जी को कह रहे हैं, तब जहान मोहम्मद दे कह्या मोहे दज्जाल लगा बरजने, ये तो सारे दज्जाल का रूप है जो मुझे मना कर रहे हैं, इन्हीं को तो दज्जाल कहा गया है जो मुझे और मेरे और मेरे प्रियतम के बीच में आ रहे हैं, ये मुझे चर्चा सुनने से मना कर रहे हैं, मैं तिनका कह्या क्यों करूं और मैं इनका कहा हुआ क्यों करूं, मेरा इनसे क्या संबंध है और उनको क्या हक है। कल तक तो मुझसे वो तालीम ले रहे थे और आज मेरे ही उस्ताद बन रहे हैं और मुझे मेरे इमाम मेहदी साहब के चरणों में आने से रोक रहे हैं। ईमान खतरा होवे मोमिन, मोमिनों के लिए तो ईमान और इश्क ही पंख है और ये मेरा एक पंख ही काट देना चाह रहे हैं। अगर मैं इनकी बात सुन के आपके चरणों से दूर होता हूँ तो मैं तो ईमान से गिरा हुआ कहा जाऊँगा, तो मैं परमधाम में क्या मुंह दिखाऊँगा, उस अर्श अजीम में जाकर उस अल्लाह ताला को, उस खुदा को क्या मुख दिखाऊँगा कि जब वो मुझे लेने के लिए आया था तो मैंने इन काफिरों को, इन दज्जालों को की बात को सुनकर उनके चरणों को छोड़ दिया। तो कह रहे हैं, मैं तो साहिब देखिया, मैंने तो साक्षात आपके अंदर उस श्रीजी साहिब जी को, उस प्रियतम को देखा है, जाहिर अपने नैन, इस नैनों से मैंने दर्शन किए हैं, मैंने पूर्ण पहचान की हुई है, तहां खतरा होत है ए मुक्ते कहो न बैन। श्री जी कृपा करके अपने मुख से ऐसा मत कहो कि मैं आपके चरणों से दूर हो जाऊं, क्योंकि ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है, मैंने आपके स्वरूप की पूर्ण पहचान कर ली है। तो सुंदर साथ जी, जब भी हमें वाणी से किसी भी स्थान से अगर सत्यवाणी का प्रचार हो रहा हो, सत्यवाणी का झरना बह रहा हो और हमारे दिल तक वो झरना राज्य की मेहर से किसी न किसी माध्यम से पहुंचा हो, तो हमें उस प्रियतम की जहां से आवाज़ आ रही है उसके चरणों में जाने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हमें कौन से संबंध को निभाना है, उस परमधाम के अखंड संबंध को या फिर यहाँ के लौकिक संबंध को या मर्यादाओं का को, कि इतने वर्षों से हम इन महाराजों के पास जाते आ रहे हैं, अगर हम इनको अस्वीकार कर देंगे उनकी बात को या और कहीं चले जाएंगे तो ये क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे। और जहान मोहम्मद हमें यहाँ वही सीख दे रहे हैं सुंदर साथ जी। और क्या हुआ, जब इनकी नहीं चली पठानों की, तो पठानों परियान किया, अब वो दज्जालों की भी तो बैठक होती है, तो उन्होंने भी बैठक की और क्या विचार किया,
जहान मम्मद डारे मार। देखिए सुंदर साथ जी, जागने की लीला में चल रहे हैं। पहले तो हमने सुन लिया ना, जब 12 मोमिनों में से दयाराम भाई थे, उनको भी तो उनके भाई ने बोला था कि 4,000 रुपये देता हूँ, इसको मार डालो, क्योंकि ये तो मुसलमान बन गया है, मैं हिंदुओं को क्या मुख दिखाऊंगा। और यहाँ वो पठान है जिन्होंने उन्हीं से तालीम ले रखी है, और अब उस्ताद बोल रहा है कि ये सत्य जान के कहने वाले हैं, लेकिन उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, उनको ना कुरान से लेना देना है, जैसे हिंदुओं को भी सत्य ज्ञान से और परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू भी ईमान से गिरे हैं, मुसलमान भी ईमान से गिरे हुए हैं, और हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं की राह पर जा रहे हैं। हमें चाहिए था कि हम खड़े हो ईमान पे और उनको ईमान दिलवाए, लेकिन हमारा भी गिरा हुआ है, हमारा ईमान भी गादी तक, वाघा वस्त्र तक और महाराजों तक सीमित रह गया है। अब क्या होता है, इस बीतक से राज्य ही हमें सीख दे रहे हैं सुंदर सार जी। जब ऐसा परियान करा इन लोगों ने, तो उससे पहले वो सोच रहे हैं कि पहले हम ना श्री जी से झगड़ा करते हैं, तो पहले तो वैरागी से करे लड़ाई जोर, पहले वैरागी से जाकर लड़ाई करते हैं। अब क्या हुआ, तब रात को मिलके आए जने 10 बार 10 बार इकट्ठे हो गए और गए उनके पास। श्री जी तो रात को, अभी हमने देखा था कि पूरी पूरी रात वहाँ चर्चा होती थी। अब क्या हुआ, उस समय का कैसा वातावरण था कि जहाँ एक तरफ तो ब्रह्मात्माएं बैठी हुई है, मोमिन मिल बातें करे बका अरश की, तित भीस्त भई बैठक, वहाँ पे परम धाम ही बन जाता है। तो यहाँ पे परम धाम का माहौल चल रहा था, मोमिन बहुत ही प्यार से चर्चा सुन रहे, एक तरफ कतेब पक्ष से चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ वेदों को और हिंदू के धर्म ग्रंथों को रहल पर पधराया गया है, सुंदर सा दो भागों में बटे हुए हैं, बहुत सुंदर से दिए पीतल के जल रहे हैं, और ऐसी मंद मंद रोशनी में, रात के शीतल वातावरण में सुंदर सा और श्री जी परम धाम का आनंद ले रहे थे। और ऐसे में ये दज्जाल आया और क्या करने लगे, शोर करने लगे। क्या कह रहे हैं, तुम टीका माला पहनत, आप क्या कर रहे हो, माला पहनते हो, टीका लगाते हो, मतलब आप हिंदू का भेष धारण किए हुए हो, और क्यों पढ़त कुरान, और ये कुरान क्यों पढ़ रहे हो, पर रवा एह रवा है नहीं, और शरीयत को ये स्वीकार नहीं है कि कोई हिंदू ये कुरान को पढ़े, जो तुम कहो सुनो कान, या कहने की भी या सुनने की भी किसी हिंदू को इसकी स्वीकृति शरीयत नहीं देता है, आप कैसे पढ़ रहे हो, ऐसे बोलने लगे हैं सुंदर साथ जी। तब श्री जी ये कहा, हम बरजत है तुम हमें क्यों मना कर रहे हो, श्री जी उनको समझा रहे हैं, खुदाए और रसूल की मोहब्बत, मैं तो क्या कह रहा हूँ, खुदा और रसूल साहब की मोहब्बत से सबको बांध रहा हूँ, प्रेम का संदेश दे रहा हूँ, हिंदू और मुसलमानों को एक करने की राह पर चल रहा हूँ, वो प्रेम की राह पर दिखा रहा हूँ सबको, और बांधत आपस में, मैं तो दोनों को बांधने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग तोड़ने का इतना गुनाह क्यों ले रहे हो अपने सिर, आपको ये तालीम किसने दी, आपको ऐसी बात किसने समझा दी है, सुना दी है, जो आप ऐसा विरोध कर रहे हो। तो क्या कह रहे हैं, वहाँ पर जहान मोहम्मद बैठे थे, जहान मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा उस्ताद, मैं मुझसे ही तो आप लोगों ने अब तक कुरान सीखी है, ना मैंने आपको कभी ऐसी झूठी बातें सिखाई ना ही समझाई, और अब मैं जब आपको बता रहा हूँ कि कुरान की जो बातें मैं आपको बोल रहा था, वो ही जिस स्वरूप की राह देख रहे थे वही तो है ये, और आप मान नहीं रहे हो, तुम तालीम लेते मुझसे तो तालीम लेते थे, अब बातें करने लगे बड़े हो तजीम, बहुत बड़े अर्श अजीम के बन रहे हो, और कहाँ की बातें कर रहे हो, किसको रोक रहे हो। जब जहान मोहम्मद को जोश आया, वहाँ पे मीन खान बैठे हुए थे, गाजी खान बैठे हुए थे, और भी कई मुसलमान थे, सबको मोमिन आराम से बैठे हुए थे, परम धाम का आनंद ले रहे थे, और बेफालतू का झगड़ा करने के लिए जब ये दज्जाल आए तो इन सबको जोश आ गया, और जैसे ही ये जोश में खड़े हो गए तो अब इनको लगा डर, और पठानों ने क्या किया, आया जोश अव्वल खान को और जहान मोहम्मद, और जैसे ही ये खड़े हो गए इनका चेहरा देख के, यारो उठो जिमी फिरी, पठान वहाँ से भाग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि दोस्तों चलो यहाँ से, ये तो जिमी ही घूम गई है, जिमी फिरी मतलब कि ये तो हमारे मुसलमान भाई कहलाते हैं, और अब तो कोई हिंदू मुसलमान का भेद ही नहीं रख दिया, यहाँ पे तो सारी जमीन सारी मर्यादा ही उल्टी हो गई है धर्म की, तो यहाँ से उठो, और इत उड़ गई सब हद, यहाँ पे कोई मर्यादा नहीं रही है, ए भगत जी हम जात हैं, और जाते जाते श्री जी को क्या कर रहे हैं डर के मारे,
हे भगत जी, हम जा रहे हैं, हमको कीजिए माफ, हमें क्षमा करना, हम तो अब जात हैं, हमारे दिल हुए साफ, हमारे दिल अब साफ हो गए। देखिए सुंदर साहब जी, इनके दिल में कुफ्र भी दुनिया के रिश्तों के कारण आता है, मर्यादाओं के कारण आता है, और दिल भी साफ जान बचाने के लिए ही हो जाता है। इब्राहिम ने भी तो ऐसे ही दिल साफ किया था। ये ना किसी दिन धर्म के रहे हैं, ना ही ईमान के हैं, और हिंदू भी ब्राह्मण भी हमने देखे वो भी ऐसे ही है। और अब क्या हुआ कि उठ भागे, यों कह के, ऐसे कह के वो वहां से भाग दिए, जाए सिपाह में किया शोक। यहाँ पे तो माफी मांग के गए और जाके औरंगजेब के सिपाही का जो दल था उनको जाके भड़का दिया। सारे यही काम करते हैं यारो, बड़ा जादूगर। क्या कहते हैं कि वो बहुत बड़े जादूगर हैं, और हमारा कछु न चला जोर। हम गए थे उनको समझाने, लेकिन हमारा भी मुसलमान भाइयों ने बात ना सुनी, और क्या हुआ कि वो जादूगर है, कुछ बुड़की डाल देते, सारे उनकी बात सुनते हैं, मुसलमानों को भी अपना बना लेते, हमारे भाइयों को भी अपना बना दिया है, और आप कुछ करो नहीं तो इस प्रकार से तो हमारा धर्म ही नष्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ सुंदर साह जी, इन समय भाव सिंह का वाका हुआ। जब एक और घटना होती है कि अब तो ये चार मोमी जो दरबारी थे उन्होंने स्वीकार कर ही लिया है, भाव सिंह के पास ये बात पहुंची तो उसने श्री जी से कहा कि श्री जी मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, जैसे मैंने आपको वचन दिया था, मेरी एक इच्छा और है जिसे आप युद्ध से पहले पूरी कर दीजिए। उन्होंने क्या इच्छा की कि मुझे एक बार परम धाम की उस प्रियतम की झलक दिखा दीजिए। श्री जी ने उसको समझाया कि अभी तेरी तेरे जीव की वो पात्रता नहीं है, तुझ में वो स्थिति नहीं है कि तेरा जीव वो आनंद को झेल पाएगा, क्योंकि पात्र के बगैर तो कहते हैं ना कि केसरी सिंह का दूध वो सोने के पात्र के बगैर नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से कीचड़ में अगर मैं अमृत डालूं, गंदगी से भरी हुई बाल्टी हो उसमें मैं अमृत डालूं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा कुछ बूंदों से? और ये तो क्या कह रहे हैं, अभी इनके विकार सारे गए नहीं हैं, ना उनको पूर्ण रूप से पहचान है, ईश्वरीय सृष्टि है उनमें, अंकुर भी नहीं है परम धाम का, और राज्य का दीदार चाह रहे हैं। तो श्री जी उनको समझा रहे हैं कि तुझ में अभी पात्रता नहीं है, तू इस बात की जिद मत कर। लेकिन कहते हैं ना, बाल हट होती है, स्त्री हट होती है, योगी हट होती है, और एक होती है राज हट, और ये भी राजा है, तो इनकी हट के सामने श्री जी इनको झुकना पड़ा। और जैसे ही अभी तो योग माया की ही झलक, परम धाम की नहीं सुंदर साहब जी, योग माया की ही हल्की सी झलक दी थी और इनका शरीर छूट गया, क्योंकि वो जेल नहीं पाया। क्या हुआ कि थी ईश्वरी सृष्टि तो परम धाम जा नहीं सकी उसकी सुरता, और क्योंकि वो पात्र नहीं था तो वो आनंद को झेल नहीं सका, तो अभी लालच है, लोभ है उसके दिल में, तो उस आनंद को छोड़ने के लिए उसका जीव तैयार ही नहीं हुआ। जैसे भूखे को अगर 56 भोग दे दिए जाए, ऐसी ही स्थिति उनकी हुई कि कई दिनों से भूखा है और एकदम से अगर भोजन कर लेते हैं तो उस गर्मी के कारण मृत्यु भी हो सकती है, तो यही स्थिति इनकी हुई। और ना उसकी आत्मा परम धाम जा पा रही है और ना ही इस संसार में आने के लिए तैयार है वो जीव, तो इसीलिए उनका उसी ध्यान की अवस्था में देह छूट गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही भाव सिंह का देह छूटा, उनका दीवान कौन था, अभी हमने सुना था ना, फतेह मोहम्मद उनका दीवान था, उसने कर लिया कब्जा। और जैसे ही उसने कब्जा कर लिया, पहला काम क्या करेगा, अभी उसके लिए सबसे प्राथमिकता क्या है, किससे झगड़ा ले रहा है वो, श्री जी से। तो उसने हुक्म दे दिया चाकरों को, ढूंढ काढ़ो वैरागी दे कैद में हम, इनको ढूंढो और कैद में कर लो, उनको पकड़ लो। श्री जी साहेब जी उनके पूरे रहे जाए हवेली पास। और श्री जी ने क्या करा, उनको डर नहीं है सुंदर साथ जी, ना सुंदर साथ को डर है, हजारों की संख्या में सुंदर साथ है, अभी तो दिल्ली से आए हैं, उदयपुर में मंदसौर में इतना कुछ हुआ, और अब दोबारा से इसकी फौज पीछे पड़ी हुई है, अब फिर से छिप छिप कर घूम रहे हैं। और क्या हुआ, श्री जी कहाँ छिप गए, फतेह मोहम्मद जहाँ रहता था ना उसी के निवास के बगल में हवेली लेकर वहीं पर बैठे हुए हैं, और उनके सैनिक पूरे नगर में ढूंढ रहे हैं उनको।
और कहते हैं ना दिया तले अंदर, कोई सोचेगा कि दुश्मन की ही बगल में जाकर बैठे हो, वहाँ किसी ने खोज की नहीं। और श्री जी वहाँ बैठे हुए ना सुंदर सा जी, हमें सीख लेनी चाहिए। सोचिए कैसा होगा कि मुसलमान सिर पर खड़े हैं, बाहर से औरंगजेब पीछे पड़ा हुआ है, और रल जलते रहना पड़ रहा है, हजारों की संख्या में है, छिप छिप के पता नहीं कितने समय तक भीख मांग के ही गुजारा करना पड़ता होगा, भिक्षा ही मांगनी पड़ी होगी उनको, है ना। और फिर भी क्या कर रहे हैं पता है सुंदर साहब जी, जिस मुल्ला के घर पे वो ठहरे थे ना फतेह मोहम्मद की हवेली के बगल में, वहाँ बैठ कर लगे कुरान उतारने। किसी तरह से उस मुल्ला को भी मना लिया कि कुरान की तो टीका करवा दे, उसको भी लालच दी, वो तैयार हो गया। लोभ दिखाया, तीन लोभ दिखाया तो वो टीका करने के लिए तैयार हो गया। श्री जी वहाँ 3 दिन रहे और 3 दिन में उन्होंने टीका, दिन रात टीका करवाई। उनको डर नहीं है कि दज्जाल क्या कर रहा है, वो टीका करवाने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द ये जागने का काम हो। तो हमें भी सीख लेनी चाहिए सुंदर साहब जी, हमें जब कष्ट आता है ना तो हम क्या करते हैं, सेवा गई साइड में, चितवनी रही साइड में, क्या करो मेहर सागर का पाठ करो, है ना। क्या मतलब वो कष्ट दूर करने में हम लग जाते हैं, हम वो भूल जाते हैं कि जब साहेब संकुल होवे तो दुख होवे तिन, ये तो चलता ही रहेगा, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। जीव को अपने कर्मों के हिसाब से करना पड़ेगा और करेगा। अब सोचिए सुंदर साथ जी, क्यों सुंदर साथ को ज्यादा तकलीफ होती है, कब ने कभी सोचा? क्योंकि हमारा दोबारा से तो जन्म होना नहीं है। हमें जब पता चल जाता है कि हद बेहद से परे परम धाम है, हमारा प्रियतम वहाँ पर है, जब हमें इतना भी पता चल जाए, हम तारतम ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद जब हम ध्यान कर लेते हैं, अगर 5-10 मिनट के लिए भी सच्चे हृदय से हम ध्यान कर रहे हैं तो भी हमारा पुनर्जन्म होना नहीं है। तो जितने भी ये जीव के कर्म है पहले के ज़माने के किए हुए, वो सब इसी जन्म में पूरा करना है हमें, खत्म तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कष्ट आते रहते हैं, तो वो तो आएंगे कर्मों के हिसाब से। हमें चाहिए कि तारतम लेने के बाद हम कष्ट ना हो, इसलिए ऐसे कोई कर्म ना करें, और ध्यान के द्वारा हमारे पूर्व जन्म में जो कर्म किए हुए हैं, संचित कर्म जो है, उसका भी नलीकरण करते जाए, मतलब उसको भी खत्म करते जाए। कैसे कर सकते हैं, कहते हैं ना देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, इस बाहरी परिक्रमा से कुछ नहीं होगा, उस परम धाम की, उस शोभा सिंहार की परिक्रमा करने से। फिर सूरत साथ ये धनी चरित्र सूचे, बार बार जब हम याद करेंगे तो हमारे वो कर्म कटेंगे। इसीलिए कहा जाता है ध्यान करो, पात्र बनता जाएगा, विकार कटते जाएंगे, संस्कार दूर होते जाएंगे, कर्म कटते जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हम तो कर्म भी अभी भी ऐसे कर रहे हैं और पहले के भी है, तो भुगतने तो पड़ेंगे, तो उसमें राज्य भी क्या कर सकते हैं, ज्ञान से समझा ही तो सकते हैं। जिन्होंने खुद ही नियम बनाए हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो उसके बदले पुण्य मिलता है, बुरे कर्म करेंगे तो उसके बदले पाप होता है या भुगतना पड़ता है हमें, वो खुद ही अल्लाह, वो खुद ही परमात्मा अपने ही प्रकृति के विधान को तो नहीं तोड़ेगा ना, जीव को तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सुंदर साथ को ज़्यादा कष्ट आते हैं। हमें चाहिए कि हम सुख दुख में धैर्य बनाए रखें, राजी सिर पर खड़े हैं, कुछ नहीं होगा। और बीतक पूरी हमें यही सिखाती है, सोचे ना सुंदर साथ की क्या स्थिति हो रही है, हर साल बीतक करने का क्या फ़ायदा अगर थोड़ा सा दुख आ रहा है और हम अधीर बन जाते हैं कि ये सुंदर साथ ने कहीं पर पाठ। श्री जी उसी की बगल की हवेली में बैठे हुए हैं और जागने की सेवा में लगे हुए हैं, लालदास जी भी उनके साथ है। और क्या होता है, उतने में ना जहान मोहम्मद ढूंढ रहा था श्री जी को कि ये फतेह मोहम्मद उनके पीछे पड़ा है, श्री जी को मैं किसी तरह से यहाँ से बचा के निकालता हूँ। तो वो ढूंढ रहे हैं श्री जी को, हजारों की संख्या में सुंदर साथ सारे बिखरे पड़े हैं, जहान मोहम्मद सबको इकट्ठा कर रहा है। और श्री जी का भी पता जैसे ही उनको चलता है, वो जाते हैं और श्री जी को जाके बताते हैं कि आप यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र निकलिए श्री जी। तो श्री जी क्या कहते हैं, सीताब निकलो यहाँ से, ऐसे समझाता है। तो श्री जी साहब कहते हैं कि ठीक है, टीका पूरी करवाते हैं और रात को निकल जाते हैं वहाँ से पैदल। जब तक लगा दिन डूबने, श्री जी साहेब जी भेले लालदास, जब तक दिन नहीं डूबा था, लालदास जी के साथ टीका करवा रहे हैं और रात को निकल रहे हैं सुंदर साथ जी। 7 कोस चले गए और चलते चलते 7 कोस तक सब सुंदर साथ के साथ चले रह गए श्री जी। अब वो फौज उनको ढूंढ रही है, तो लोगों ने कहा कि वो तो कब के चले चुके हैं और किसी के भी हाथ नहीं आए, ना इन फौज के हाथ आए और ना ही औरंगजेब की फौज के हाथ आए। और वहाँ से चल दिए हैं श्री जी बुढ़ानपुर होते हुए आकोट।
और सुंदर सार जी आकोट से भी ना पत्र लिखते हैं श्री जी, आकोट जाकर पत्र लिखते हैं। राजा भाव सिंह अभी नहीं रहे हैं, उसके दरबारी जो बने हुए ना फतेह मोहम्मद, फिर हिदायतुल्ला काजी और दीवान है उनका एक, उन सबको चार मुसलमान हैं जिन पे पत्र लिखकर भेजते हैं। वो प्रश्न तैयार करते हैं कुछ कुरान से, और चार प्रश्नों चार पत्र तैयार करके इन चार लोग जो इनके दरबारी है जिनके नाम है फतुल्ला, हिदायतुल्ला काजी और दीवान अमानत खान और एक है दलेल खान, इन चार के पास छोड़ते नहीं हैं, औरंगाबाद भेजते हैं सुंदर साथ को, और चार सुंदर साथ को भेजते हैं। सुंदर साथ जी अगर हम होते तो हम बोलते श्री जी अब बस करो, अभी तो वहाँ से बच के आए हैं, वापस से आप हमें पत्र लेकर उनके पास भेज रहे हो, उससे पहले औरंगजेब के पास गए, उससे पहले मंसूर में भी ऐसी स्थिति हुई। नहीं, वो तो कैसे मोमिन है, नाम के मोमिन नहीं है, वो ऐसे मोमिन है कि कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उर्सत अंग। अरे श्री जी कोई बात नहीं, हम जाते हैं, लाओ पत्र, हमारा तो काम ये है, और चले जाते हैं। अब सुंदर साह जी इससे पहले क्या होता है, वो पत्र लेकर जाते हैं और क्या होता है वो तो अभी तक हम कल सुनेंगे। उससे पहले आता है कि जब इतने सारे कष्ट आ रहे हैं तो सुंदर साथ के मन में, जैसे हम देखें ना कि पहले दिल्ली में थे श्री जी, फिर उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, दिल्ली में औरंगजेब ने प्रताड़ित किया उनके दरबारियों ने, उदयपुर गए तो फकीरी भेष धारण किया, मंदसौर गए तो भीख मांगनी पड़ी, भिक्षा मांग के पेट भरना पड़ा, और औरंगाबाद में भी फतेह मोहम्मद का ये दज्जाल नाम पीछे पड़ा हुआ है, उसकी फौज पीछे पड़ी हुई है। तो जब ऐसा हो गया तो सुंदर साथ के ईमान डगमगा गए। अब देखो हम सोचेंगे कि हमारे भी तो डगमगाते हैं, उन सुंदर साथ के भी डगमगाए गए, वो सुंदर साथ के नहीं डगमगा गए हैं, हजारों की संख्या में हैं उनके पास में सब। और हमें पता है कि पन्ना जी तक जो 5000 की जमात थी उसमें से सिर्फ 500 ही ब्रह्मात्माएँ थी, तो बाकी सारी भी तो जीव सृष्टि और ईश्वरी है, उनके ईमान डगमगा रहे हैं। तो श्री जी को तो सुर असुर सबों के पति सब पर एक दया, वो तो सब कर दया करेंगे ना, तो उनका ईमान भी वापस लाने के लिए श्री जी उनको क्या समझाते हैं सुंदर साथ जी कि ये दुख जो आपको आ रहा है उससे आप विचलित ना हो। तो उनको सांत्वना देने के लिए श्री जी क्या कहते हैं कि दो प्रकार की मेहर होती है। श्री जी ने कहा कि एक तो जाहिरी मेहर होती है और एक होती है बातिनी मेहर। जाहिरी ये होती है कि जिसके पीछे हम पागल होते हैं और जो हम सिर्फ मांगते हैं, है ना, कि जैसे हम कहीं जा रहे हो, सामने कुछ सांप वगैरह आ रहा हो या कुछ हो, और राजी हमारी नज़र कर देते हैं, हम बच जाते हैं। किसी गाड़ी से हमें जाना हो और वो किसी कारण से हम ना जा पाए, हम लेट हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, अकस्मात हुआ है और कोई भी उसमें बचा नहीं है, तो ये सब जाहिरी मेहर है। लेकिन ये वास्तविक मेहर नहीं है, वास्तविक मेहर है बातिनी मेहर, और वो मेहर किस पर होती है, मोमिनों पर, हम पर हो रही है। और बातिनी मेहर मतलब क्या है कि उस प्रियतम के प्रेम के, उसके दिल में जो प्रेम के अनंत सागर है, आनंद के अनंत सागर है, ज्ञान सौंदर्य के अनंत सागर है, वाहदत के सागर में, उस प्रेम में जब हम डूब जाए, स्वयं के अस्तित्व को भी जब भूल जाए, तो वो है बातिनी मेहर। उसको तो कोई नहीं देखता है दुनिया वाले। अगर हम उदाहरण ले सुंदर साथ जी, तो श्री जी के कृपा दृष्टि से हीरे निकले, पन्ना जी में जाकर आगे निकलेंगे, तो वो तो सबको पता है, लेकिन उनके द्वारा जो सच्चा हीरे की भी जिसको उपमा नहीं दे सकती है, दे सकते हैं, वैसा ये जो ज्ञान आया है, जो आज दिन पर दुनिया में ना कभी था और ना ही भविष्य में कभी आएगा, उसकी तो वास्तविक पहचान किसी ने नहीं की। तो अब क्या हो रहा है, श्री जी इनको समझा रहे हैं कि सुनिए सुंदर साथ जी, एते अब तक इस ब्रह्मांड में क्या था, इन जिमी में आज लो वेद कतेबो करी खोज, वेद और कतेबो के शब्दों से, उसमें निहित ज्ञान से बहुत लोगों ने उस परमात्मा को जानना चाहा, उस अल्लाह ताला को जानना चाहा, पर ठोर अक्षर न पाया, किसी ने भी अक्षर ब्रह्म तक की भी सुध किसी को भी नहीं हुई कि वो अक्षर ब्रह्म कौन है और कहाँ है। तो अक्षरातीत की तो दूर की बात है, त्रिगुण थके खोज ले बोझ, और त्रिगुण भी उनको खोज खोज कर
थक गए हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको ये दुनिया परमात्मा करके पूछती है उनको भी इस विषय में कुछ भी पता नहीं है। हमें पता है ना सुंदर सार जी कि पार्वती जी को भी शंकर भगवान नहीं बता सके थे जो अमरनाथ की कथा कही जाती है, और लक्ष्मी जी को भी कितने कल्प तपस्या करने के बाद भी विष्णु भगवान नहीं बता सके थे स्पष्ट रूप में, योग माया का वर्णन भी नहीं स्पष्ट रूप से कर पाते हैं, और ये तो अक्षरक्षातीत की बात है, उसको स्पष्ट रूप से कौन कह पाएगा। कबीर जी अक्षर की पंचवासनाओं के लिए भी कहा गया है, चलते चलते पांव थके थक्या नगर रहा नव कोश, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किसको लगावे दोष, वो भी नहीं पहुंच पाए। और सुखदेव जी के लिए भी कहा जाता है, बहुत दौड़ी सो शून्य थोड़ी आड़ी पड़ी निराकार, और हमें तो वो ज्ञान मिल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं श्री जी कि हमें कौन सा ज्ञान मिला है, वो समझा रहे हैं श्री जी कि आज दिन तक जो शुद्ध त्रैगुण को भी नहीं थी, जो शुद्ध आदि नारायण को भी नहीं है, और जिनों नेत नेत पुकारिया खबर नहीं त्रैगुण, जो त्रिगुण को भी पता नहीं है, उन्होंने बोल दिया ऐसा नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, और वो अक्षर अक्षातीत की काहू नहीं पहचान, किसी को पहचान ही नहीं है, सो कर पकड़ बताइया उसको आप क्या एक आराम से एक ही चरण में बोल देते हैं, चौपाई में भी नहीं, कि निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। जिस अक्षरातीत के विषय में किसी को भी आज दिन तक पता नहीं चला, उसको एक चौपाई के एक चरण में एक छोटा बच्चा भी खड़ा करेंगे यहाँ से, तो वो बच्चा बता देगा कि वो प्रियतम कहाँ है, ये निराकार के पार तीन पार के भी पार। और वो ज्ञान इस ब्रह्मांड के देवी देवताओं को, त्रिगुणों को और आदि नारायण को भी नहीं है, जिसके संकल्प से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और लय को प्राप्त होते हैं, उसकी पंच वासनाओं को भी नहीं पता है। और वो ज्ञान आपको हाथ पकड़ के कौन दे रहा है, हाथ पकड़ के बताने का मतलब सुंदर साची कि जैसे जब हम बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, तो बच्चे को डर नहीं होता है ना, वो अपना दिमाग लगाता है, उसको बस एक ही काम करना होता है कि हाथ पकड़ा दिया और उसको माँ पे विश्वास होता है कि ये मुझे चलना सिखा देगी। तभी तो पता है जब बच्चे को हवा में, छोटे बच्चों को हम हवा में उछालते हैं, सोचो अगर हमें कोई हवा में उछाले तो, क्योंकि हमारी बुद्धि काम करती है, हम पहले तो उछालने ही नहीं देंगे, और अगर उछाला गया तो कितना हमें डर लग जाएगा कि ये हमें जेल नहीं पाएंगे और हम मर ना जाए कहीं। लेकिन बच्चे में वो नहीं होता है, क्योंकि वो बुद्धि से नहीं सोचता है, वो दिल देता है, विश्वास करता है जिसको उंगली थमाई हुई है, या जो मुझे हवा में उछाल रहा है वो मुझे पकड़ भी लेगा, इतना विश्वास एक बच्चे को अपनी माँ पर होता है, अपने पिता पर होता है। तो अगर लौकिक रिश्तों को इतना विश्वास होता है, तो हम सोचे कि हमारा अलौकिक रिश्ता है उस प्रियतम से, हमारा ईमान क्या होना चाहिए था और हमारा ईमान क्या है। तो श्री जी सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि सुंदर साथ जी आपको तो बहुत आसानी से ये ज्ञान मिल गया है, परोसी हुई थाली में मिला है, आपको इसके लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ा है। किस प्रकार से मिला है वो श्री जी अब समझाएंगे आगे सुंदर साथ जी कि सो कर पकड़ बताइया, दृढ़ कर दिया ईमान और आपका ईमान पक्का कर दिया है। हाथ पकड़ के कहते हैं ना राज जी, मुंह पकड़ तालु रूह के देत कायम सुख संकुल, जबरदस्ती हमें पिला रहे हैं किस ज्ञान को, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। और श्री जी कहते हैं जो शुद्ध अक्षर को भी जागृत अवस्था में नहीं है, दुनिया की बात छोड़ो, आदि नारायण की बात छोड़ो, पंच वासनाओं की बात छोड़ो, ये शुद्ध तो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। हम रोज गाते हैं ना सुंदर साची सेवा पूजा में, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इशक बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं पिया किन्विद केली करे। उस प्रेम की बातें अक्षर को, राज्य के सत अंग को भी नहीं पता है, जिसके एक ही इशारे मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और लय को प्राप्त होते हैं, और वो हमें यहाँ पर मिल रहा है ज्ञान। तीन बुद्ध संग तारतम सब कही हकीकत दाम, और आपको तो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का ये तारतम ज्ञान मिला है, जिससे परम धाम की पूरी शोभा का आपको पता चल गया है यहाँ बैठे बैठे। हमें परिक्रमा के उस समय हम नहीं थे, तो हमें ग्रंथ के माध्यम से, वाणी के माध्यम से पता चल रहा है, खिलवत सागर सिंगार परिक्रमा पूरे परम धाम के 25 पक्ष,
अष्टप्रहर की लीला, राज्य का शोभा सिंहार, जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता है वो हमें यहाँ पता चल रहा है, और अक्षर को जागृत अवस्था में जो पता नहीं है वो हमें यहाँ स्वप्न की अवस्था में पता चल रहा है। इससे बड़ी और मेहर क्या हो सकती है? इससे बड़ी बातिनी मेहर कोई हो सकती है? तो श्री जी सुंदर साथ का ईमान पक्का करवा के उनको बोल रहे हैं कि ज्ञान से पहचानो धाम अंदर की बीतक संग मूल स्वरूप बिहार, जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार। आपको तो उतना ही नहीं राज्य के दिल की बातें भी पता चल गई है वाणी से, मूल स्वरूप के चित्त की बातें है तारतम में कई रूप, उस प्रियतम के दिल की बातें जो हमें भी परम धाम में पता नहीं थी ब्रह्मात्माओं को। रूहे बेनियाज थी बीच बक्का बारह हजार। अब सोचो जो हम आह्लादिनी शक्तियां हैं हमारे प्रियतम की, हमको जागृत अवस्था में परम धाम में जो ज्ञान नहीं था, इस ब्रह्मांड में आकर राजी ने हमें उनके दिल के वो सारे भेद बता दिए हैं, और हम क्या शिकायत कर रहे हैं सुंदर साथ जी? हम कहाँ अपना समय लगा रहे हैं, कहाँ हमारी ऊर्जा लगा रहे हैं? तो श्री जी उन सुंदर साथ को समझा रहे हैं, और उन सुंदर साथ को क्या उनके माध्यम से हमारे पत्थर हृदय को समझा रहे हैं कि अब इस माया को छोड़ो। और क्या कह रहे हैं? जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास होए क्यों कर। अब जो शुद्ध अक्षर को नहीं है वो त्रिगुण के पास कैसे आएगी? सो सुपन के जीवों को, और उसके आदेश से अक्षर के मन का स्वाप्निक स्वरूप जो आदि नारायण है और उनके अंश जो जीव है, वही तो बैठे हैं हम सब में। और देखो अभी ये सभा लगी हुई है, हमें वो ज्ञान पता चल रहा है, तो इससे बड़ी मेहर और क्या हो सकती है? हम सोचे तो कि हमें क्या मिल रहा है और हम किस चीज के लिए दुखी हो रहे हैं। कौड़ी ते हाथ थी परी करी अने दीदू छे हाथ रतन। राजी ने जो बच्चे कौड़ी खेलते हैं ना खेल में, ऐसी इस माया को, कौड़ी की भी जिसकी कीमत नहीं है वैसी इस माया को दूर किया है, और दीदू छे हाथ रत्न मतलब ही अनमोल हीरा दिया है ज्ञान के रूप में, अपने दिल के भेद दिए हैं, अपना दिल ही दे दिया है। और हम किसके लिए? अमृत ढोली ने विष पी दू, हम क्या कर रहे हैं उस अमृत को बार बार गिरा रहे हैं। धनी सहजे आव्या सुख न लिदू, धनी बार बार अलग अलग तन से हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत ही आसानी से हमें ये समझा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सुख नहीं ले पा रहे। धनी अमारो अक्षरातीत अमे तोये ना समझिया पतीत। हम कैसे हैं पतितों में भी शिरोमणि है, इतने गिरे हुए हैं कि राजी हमें समझा रहे हैं वो अक्षरातीत प्रियतम है, लेकिन हम फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। और क्या आप कह रहे हैं श्री जी? ए मेहर मोमिनों पर, ये बात इन्हीं मेहर मोमिनों पर हो रही है सुंदर साथ जी। सबो पाई इनों की सोहबत, और ये मेहर कैसी है कि आपकी सोहबत में भी जो आएगा और उस आपके कारण, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड में आए हो तो इन जीवों को ये ज्ञान मिल रहा है, वो खुद भी आनंद लेंगे और आपकी सोहबत में जो जो आत्माएं या जीव आएगा, जिन जीवे किन संग किया ताको करुणा मेलो भंग, रंगे रमाड़ू वासना वासना सतको अंग, उसको भी वो आत्मा का सुख मिल जाएगा, परमधाम का सुख मिल जाएगा, क्योंकि हम आए हैं इस ब्रह्मांड में। तो ये पूरा ब्रह्मांड हमें अखंड में पूजेगा कि धन्य धन्य है वो ब्रह्मात्माएं जिनके आने के कारण ये ज्ञान आया, और इसके कारण हम अखंड हो जाएंगे हमेशा के लिए, जैसा आज दिन तक ना इस ब्रह्मांड में कभी हुआ ना कभी होगा, ऐसी बख्शीश हमारे कारण इन ब्रह्मांड को मिलने वाली है, इस ब्रह्मांड के जीवों को। और हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी? हम कहाँ अटके हुए हैं हम देखें, और ऐसी तो कई अलेखे अपार मेहर कर रहे हैं राजी कि मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, बढ़ती जा रही है। और इसके लिए वाणी में एक चौपाई कही गई कि राजी की मेहर कैसी है, मेघ की बूंदे जेती परे। अगर वर्षा होती है ना तो उसमें जो बारिश की बूंदें गिरती है, अगर हम कदाचित उसको गिन पाए,
या कोई वनस्पति निर्वाण करे, वनस्पतियों के पत्तों को भी इस ब्रह्मांड में जितनी उसको भी शायद कोई गिन ले, यद्यपि या को निर्वाण होए, कदाचित हम इन सबको गिन भी पास गिन सकते हैं, गिनती में भी ला सकते हैं, पर गुण धनी के गिने न जाए। धनी हमारे प्रियतम जो कह रहे हैं कि श्री महामत कहे तुम पर मोमिनो दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। धनी हम पर जो पल पल मेहर कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, वो हमें अभी एहसास नहीं है और इसीलिए उसकी गिनती कभी हो ही नहीं सकती है। और क्या बोल रहे हैं कि वो मेहर कैसी है प्रियतम की, कि अगर आपको एहसास हो जाएगा तो एक पल के लिए भी आप उनके चरणों से दूर नहीं हो पाओगे। ऐसी अखंड मेहर की वर्षा हो रही है वाणी के रूप में सुंदर साथ जी। और क्या हो रहा है, अब सुंदर साथ को समझा रहे हैं श्री जी कि पहले व्रज में आप याद करिए कि पहले आप व्रज में आए थे, अभी तो उन्होंने ज्ञान के की मेहर को बता दिया, अब बताएंगे कि किस किस फेरे में हम आए और इस ज्ञान से क्या होता है। कि पहले हम व्रज में आए और जब हम व्रज में आए तब भी तो याद करें कि तब दज्जाल नहीं था। अब सुंदर साथ को समझा रहे, पहले ये समझा दिया ज्ञान कैसा है हमारे पास और कैसी बात इन्हीं मेहर कर रहे हैं राजी ज्ञान के रूप में। अब क्या समझा रहे हैं कि जो दज्जाल से आप डर रहे हो ना, जो आप बोल रहे हो कि हम तो घर बार छोड़ के अक्षरातीत है इस शरीर में, तो जब अक्षरातीत के साथ निकलेंगे तो हमें क्या कष्ट होगा, और जब से आए हैं तब से कष्ट ही कष्ट देख रहे हैं, तो ये कैसे अक्षरातीत है। उनके जीवों के मन में सबके संशय आ रहा था, तो श्री जी उनको समझा रहे कि याद करो कि व्रज में जब हम आए थे तब अगासुर बकासुर पूतना ये सब नहीं थे, थे ना, हम डरे उनसे और हमारी रक्षा उनसे किसने की। दज्जाल तो उस समय भी थे लेकिन उन असुरों से हमारे प्रियतम ने हमारी रक्षा करी और उस व्रज की चरण धूलि को त्रिदेवा भी तरसते हैं, गोपियों की चरण रज को, और वो गोपियां हम में हमारी चरण रज को वो तरस रहे हैं कि कहीं हमें वो अखंड की धूलि भी मिल जाए। और हमने तो वहां पे प्रियतम के साथ खेला था। उसके बाद चलिए रास में चलते हैं, हमने जो रास खेला उसमें कितना आनंद है कि जिसके रस को अगर नरसैया भी देखना चाह रहा है तो नरसैया दौड़या इन रस को बानी करे रे पुकार, रस जाहिर हुआ अंदर आड़े दरवाजे चार। उसको भी ये शरीर संसार का पर्दा आया बीच में और वो भी उस रस को नहीं ले पाए, और प्रतिबिंब के प्रतिबिंब की भी जब लीला शंकर भगवान ने उनको मेहर करके कृपा करके दिखाई तो उसमें भी उसको इतना आनंद आया कि वो मशाल भी जल गई और उसका हाथ भी जल गया और फिर भी उसका ध्यान नहीं निकल, उसमें से हट नहीं पा रहा है। और हम सोचे सुंदर साची कि हमें कौन सा रस मिल रहा है वाणी के रूप में, और फिर भी अगर हम ध्यान के द्वारा उस सुख को ना ले पाए, उस प्रियतम के दिल में डुबकी ना लगा पाए, तो हमारे से ज़्यादा कोई दुर्भाग्यशाली हो सकता है। वैसे तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है अगर हम धनी के प्रेम को देखें, लेकिन हमारी रहनी को देखें तो हमसे ज़्यादा कोई बदनसीब नहीं है इस ब्रह्मांड में, अगर हम ऐसी वाणी को लेकर भी ऐसे कैसे ही बैठे हैं। जिसके लिए दुनिया तरस रही है, त्रिदेवा तरस रहा है, अक्षर ब्रह्म भी तरस रहा है, एक ही पलक का दीदार मिलता है उनको और वापस चले जाते हैं। वो आनंद हमें इस ब्रह्मांड में बैठे बैठे मिल सकता है सुंदर सार जी, वो इस वाणी के कारण। और ये है हमारे प्रियतम का दिल, उनका प्रेम, एक एक शब्दों में प्रेम है प्रियतम का। देखो खोल वाणी श्री प्राण कि इसको खोलो वाणी को और इससे उस प्रियतम को देखो, ल्याओ प्यार करो दीदार और आप देखो औरों दिखाओ। और हम क्या कर रहे हैं सुंदर सा जी, हम कहाँ अटके हुए हैं, जरा हम मंथन करें उस विषय में। और श्री जी आगे क्या कह रहे हैं कि व्रज और रास की बात छोड़ो, तीसरा जो फेरा हुआ, तीसरे दिन की लीला मोहम्मद साहब के तन से, उसमें कुरान लेकर आए, मुसलमानों की भाषा में लिखा हुआ है, और आपने देखा कि इसके गुह्य वेद किसके पास है, देखा ना हमने अब तक की भी तक में, वो सिर्फ शाब्दिक ज्ञान लेकर बैठ गए हैं, सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं, और उसके भेद हमारे पास है, हम उनको अर्थ करके समझा सकते हैं, उसकी चाबी हमारे पास है। जो वेदों के जाताओं को नहीं पता है, आचार्यों को नहीं पता है, जिससे हरिद्वार के कुंभ के मेले में श्री जी ने सबको नतमस्तक किया, वो कुंजी हमारे पास है।
और उस कुंजी का हमने क्या कर रखा है सुंदर साची, एक कपड़े में लपेट लिया है उसको, वाघा वस्त्र पहनाने में हम पैसे लगा रहे हैं, उसको सोने से मढ़ने में हम पैसे लगा रहे हैं, उसको आभूषण पहनाने में हम पैसे लगा रहे हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, इससे कैसे आत्मा जागृत होगी। श्री जी के चरणों में कोई आया और कुछ किया, कभी भी श्री जी ने बताया कि ऐसे करो। दिन चौथे महीने धरा रसूले कदम, वही रसूल साहब वही अक्षर की आत्मा चौथे दिन में भी आई है ना। और चौथे दिन की लीला में कौन आया, श्यामा जी आई है ना। रू अल्लाह मिसल गाजियो, साल 990 मास न हुए रसूल को जब, तब क्या हुआ, रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे, तब हम दोबारा से आए इस ब्रह्मांड में। और देवचंद्र जी के तन से सोचे हम, सुंदर साथ जी पूरा कुछ करके दिखा रहे हैं श्री जी राज जी, हमें हाथ पकड़ के दिखा रहे हैं। क्यों ऐसा कहा गया है, जैसे आप सबने एक पिक्चर देखी होगी माँ जी, उसमें क्या करता है वो जो माँ जी है, वो उसकी पत्नी का कुछ अवसान हो जाता है, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, और क्योंकि अस्पताल और पर्वत के दूसरी तरफ होता है, ले जाते ले जाते उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको इतना आघात लगता है कि आगे किसी को ऐसी पीड़ा ना हो, तो वो पूरा पर्वत छैनी और हथौड़ी लेकर तोड़ देता है और रास्ता बना लेता है। सोचो सुंदर साहब जी, और जब वो रास्ता बना रहा होता है ना, सब लोग उस पे हंसते हैं, और जब रास्ता बन जाता है तो वो आसानी से जा सकते हैं। अब ये बताइए कि रास्ता बनाना मुश्किल है पर्वत को तोड़ के, या उस पे चलना मुश्किल है, बनाना मुश्किल है ना। तो ये बीतक में रास्ता बनाया गया है, और कैसे इन ब्रह्मात्माओं के साथ चल के हमारे प्रियतम ने हमारे लिए वो राह तैयार की है, ये पर्वत रूपी संसार से पार कैसे होना है, वो पूरा रास्ता उन्होंने एक एक पर्वत का एक एक पत्थर अब तक की बीतक में तोड़ के दिखा रहे हैं हमें, और पन्ना जी तक जाते जाते हमारे लिए पूरा रास्ता तैयार करके हमें दे दिया है। और हमारा बदनसीब है अगर हम उस तैयार रास्ते पर भी ना चल पाए। और सुंदर साहब जी, थोड़ा समय नहीं हुआ, अभी 400 साल हमने मनाए, ये 401 साल चल रहा है, धिक्कार है हमें और हमारी इस बुद्धि को, किस मुख से हम अपने आप को राज्य के अंगनात्म कह सकते हैं। हम तब भी सुन रहे थे, हम अब भी सुन रहे हैं, अगर अब भी जीवन में आत्मसात नहीं किया, अब भी सिर्फ वाणी में लपेट के रखा, अब भी इस वाणी को नहीं फैलाएंगे, ना पिएंगे ना दूसरों को पिलाएंगे, तो हमारी ये स्थिति अनंत काल तक रहने वाली है। फिर भी ये तो हमारे प्रियतम की मेहर है, क्योंकि क्यों न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए, लेकिन सो मेरे धनिये दई, राजी भी तो हमारा हाथ नहीं छोड़ रहे ना, तो ये भी मेहर है सुंदर साहब जी। अब क्या हो रहा है कि चौथे दिन में रू अल्लाह श्यामा जी हमें चल के दिखा रही है, हर एक मत पंथ में जा रही है, मंदिरों में जा रही है, और बता रही है कि हिंदू धर्म में कहीं पर भी कोई भी उनको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाया। तब हमारे प्रियतम मेहर करके आए, उनको भी तो ज्ञान ना होने के कारण दज्जाल ने घेरा हुआ था, अज्ञान रूपी दज्जाल ने घेरा हुआ था उनको, और उनकी अज्ञानता रूपी दज्जाल को किसने पर्दा हटाया, पिया की अति प्रसन्न तीन बेर दिए दर्शन, तीन बार आए, बार बार आ रहे हैं, कौन आया, वही तो आया जो दिल में बैठा है, वही तो आया जो कहता है कि हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्ट लेने करता, इतने प्यार से समझाया और साक्षात आकर सामने खड़े हो गए। हम सोचे कि अगर हमारी करनी देखकर आना होता तो आते वो परमात्मा कभी, देवचंद्र जी ने तो भागवत सुनी थी, और अगर हम ये कहें कि उन्होंने सुनी थी उनके सामने आए तो हम सुन रहे हमारे सामने आएंगे, सुंदर साथ जी उस समय तो वाणी का ज्ञान अवतरित नहीं हुआ था, और हम सोचे कि श्री जी भी तो भागवत से चर्चा करते थे, श्री जी साक्षी रूप में लेते थे भागवत को, कुरान को साक्षी रूप में लेते थे, लेकिन वाणी पधराकर सब कुछ होता था, और उन्हीं के ही आदेश से वाणी को पधराया गया, और उसी की चर्चा होती थी पन्ना जी में, जब पूर्ण वाणी अवतरित हो गई अंतिम के 3 साल की जब लीला शुरू हुई तब, और ध्यान होता था, तो हम उस कदम पर चले, हम बीतक से शिक्षा ले, हम सत्य है उस सत्य प्रियतम की, हम कहते हैं ना सत्य चिद आनंद, सत्य मतलब जो
अखंड है, हमेशा है। और साँचारी साहेब साँच सो पाइए, वो सत्य प्रियतम है, वो साँचा है, साँच को साँच है प्यारा। उसको अगर पाना है तो हमें सत्य की राह अपनानी पड़ेगी, चाहे कितनी भी कठिनाई आए फिर भी हमें उस राह को नहीं छोड़ना है। और हमारे लिए तो जैसे मैंने अभी कहा, रास्ता पूरा सुलभ करवा दिया है। कठिनाई तो इसे कहते जो अब हम अभी तक सुन रहे हैं, उन्होंने पर्वत तोड़ा है। और फिर क्या हुआ सुंदर साहब जी, श्री जी समझा रहे हैं कि उस समय भी तो दज्जाल था, लेकिन किसने उनको खड़ा किया? ज्ञान से, मैंने ही तो साक्षात आकर खड़ा किया था। और अब फिर भी हम लोग तो भूल गए सारे, नींद में जैसे थे वैसे के वैसे ही हो गए धाम गमन के बाद। हम सोचे हम तो थे ही नहीं। देखो सुंदर साहब जी, हम सब साथ में आए हैं और साथ में जाएंगे। उस समय भी हम इसी तरह से कठपुतलियों की तरह सुन रहे होंगे और हमने श्री जी का विरोध कर लिया होगा और बात नहीं सुनी होगी, इसीलिए तो अभी तक हमारी आत्मा आ रही है। नहीं तो जागृत हो गई होती और पन्ना जी में श्री जी के साथ बैठ के आनंद कर रही होती। हम यहाँ अटके हुए ही इसलिए है क्योंकि हमने जहाँ पर अटकना चाहिए था वहाँ हम नहीं अटके हैं और माया में पकड़ रखी। क्योंकि आशिक तो कैसे होते, वो कहाँ अटकते हैं? बहुत अटकाव है आशिक कि जब इंद्रावती की आत्मा श्री राजी के शोभा श्रृंगार का वर्णन कर रही है ना, तो वो उनके एक एक अंग में अटक रही है कि कैसे इससे आगे जाऊं। और अगर मैं एक अंग छोड़ के दूसरे अंग का वर्णन करती हूँ तो इसका मतलब तो मैं ब्रह्मात्मा ही नहीं हूँ। कैसी आशिक हूँ जो एक अंग छोड़ दूजा लगे। और हम सोचे सुंदर साची कि हम अपने आप को सिर्फ आशिक कहलाते हैं, लेकिन क्या सच में हम राज्य के अंगों में और शोभा में अटकते हैं? हमको तो अगर कहा जाए ना कि ध्यान करो तो हमें वो बात अटकती है। और जो वो कह रहा है, जो हमें ध्यान में लगा रहा है, जो हमें उस सत्य राह पर लेकर जा रहा है, जो हमें प्रियतम से मिलवाता है, वो रूप भी अटकता है। तो हम कहाँ जाके अटके हैं वो हम सोचे सुंदर साहब जी। तो आइए श्री जी कैसे हमें बता रहे हैं कि उस समय भी दज्जाल था और मैंने ही आपकी आत्माओं को जागृत करने के लिए ज्ञान उनसे अवतरित करवाया। और उस समय पूर्ण ज्ञान नहीं था तो क्या हुआ? पर ब्रह्म सृष्टि होती व्रज रास में प्रेम हु तो लचबिन सो लच अव्वल को राय रुहल्ला पर न था आखिरी इलम। पूरन पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं अवतरित हुआ था तो जागनी नहीं हो पाई। आप लोग फिर से भूल गए लेकिन धनी ने तो नहीं छोड़ा, फिर से तन धारण किया और दूसरे जामे में पांचवें दिन की लीला में महामती जी के धाम हृदय से मिहिराज जी के तन से प्राणनाथ जी के रूप में अब जाहिर हो रहे हैं। और वही प्राणनाथ जी मिहिराज जी सुंदर साथ की जमात को समझा रहे हैं कि अब कौन बैठा है आपके सामने, जरा उसको सोचो कि ये वाणी जो इन सबको दुर्लभ है वो इन जीवों को कौन पिला रहा है, कौन ये आवेशित वाणी को अवतरित कर रहा है? वो प्रियतम की मेहर तो है और आपको वो नज़र नहीं आ रही है और आप सोच रहे हो कि ये क्यों कष्ट हो रहा है। तो दज्जाल तो उस समय भी था और समझा रहे हैं कि देखो सुंदर साची, जब 12 मोमिन गए ना इस वाणी को लेकर तो दज्जाल किस रूप में खड़े हो गए? दरबारियों के रूप में। बादशाह तो चाहता था, औरंगजेब ने पहले नहीं इनकार किया था, वो तो चाहता था बातचीत करना, लेकिन दरबारियों के अंदर दज्जाल बैठा और उन्होंने उनको राह से गिराया। और उसके बाद कहाँ गया वो? दरबारियों ने उनको भड़काते रहे और वो बादशाह सुन ना सका सुकन। उसी तरह से जब याद करें सुंदर सार जी कि देवचंद्र जी के तन से आया था तब दज्जाल कौन बने थे? बिहारी जी, जो गादीपति महाराज बिहारी जी बने बैठे थे, जो देवचंद्र जी के लौकिक पुत्र थे। और फिर भी उनके पास ज्ञान का कुछ भी नहीं था, ब्रह्मात्मा भी थी उनमें रतनबाई की, लेकिन उन्होंने ज्ञान को आत्मजात साथ नहीं किया था इसलिए उनकी आत्मा जागृत ना हो पाई। तो हम यहाँ भी ना समझ ले कि हमने तो तारतम ले लिया है, हमें तो पता चल गया कि राज्य कहाँ पर है तो हमारी आत्मा भी जागृत हो गई है। इतना तो पता रतनबाई की आत्मा जो बिहारी जी के तन में है उसको भी था, लेकिन उसने भी तो वाणी को उस समय पसरने नहीं दिया तो वो दज्जाल बने। और जब श्री जी बोल रहे हैं कि तो अभी भी तो वही होगा, दज्जाल ने कब पीछा नहीं करा है? व्रज में पीछा करा, रास का भी अगर कोई दर्शन करना चाहे तो उसका भी पीछा करता है, तीसरे दिन में भी यही हुआ, चौथे में भी यही हुआ है, क्योंकि मोहम्मद साहब को भी तो सबने मारना चाहा था। और जब देवचंद्र जी का तन था तब भी बिहारी जी ने उनको मरवाना चाहा था। तो अब क्या है, दज्जाल कुछ नया नहीं कर रहा है, वो वही कर रहा है, लेकिन हम क्यों उसको भारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरी इन तीन सूरत को आप पहचानो?
तो आपके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। बसरी सूरत जो मोहम्मद साहब के रूप में तीसरे दिन में आई, मलकी सूरत जो रू अल्लाह श्यामा जी के रूप में देवचंद्र जी के तन में आई चौथे दिन में, और पांचवें दिन में मीराज जी के तन से प्राणनाथ जी की लीला साक्षात हो रही है। तो बोल रहे मेरी इन तीन सूरतों को पहचानो, ये कौन है। ये तीन सूरत वहाँ उनके चरणों में पहुँच गई थी जहाँ आज दिन तक कोई नहीं पहुँच पाया। मोहम्मद साहब गए, उन्होंने दीदार किया, श्यामा जी ने पूरे परम धाम का दीदार किया, और इंद्रावती जी की आत्मा ने भी हफ्सा जेल में राज जी को सामने खड़ा कर दिया। तो बोल रहे इन तीन सूरतों को पहचानो, इन्होंने इन तीन सूरतों को किसने खड़ा किया है। राज जी कह रहे मैंने ही तो खड़ा किया है, आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो मुझे। तभी तो ये पहचान छत्रसाल जी करेंगे आगे, तब वो कहेंगे ना धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातबर। वो अक्षरातीत प्रियतम है, तो उनको उनके ज्ञान से पहचाने सुंदर साथ जी। और क्या कह रहे हैं श्री जी, न फिरस्ते नजीकी न मुसरत, ना उस परम धाम में कोई जबराइल और अस्राफिल, जबराइल के भी तो पर जल जाते हैं और अक्षर की जागृत बुद्धि भी नहीं जा पाती है। वहां से ये तीनों सूरतें आई है ज्ञान लेकर, और किसके लिए, हम सबको जगाने के लिए। और फिर भी हम नहीं, ल्याओ ईमान तुम, और हमें क्या करना है, ईमान लेकर आना है, बस इतना ही तो करना है और कुछ बाकी नहीं रहा है। इश्क और ईमान लाना है और चलना है उस राह पर, और दूसरों को भी चलाना है, और कुछ काम बाकी नहीं रहा है हमारे लिए। और फिर भी हमें वो मुश्किल लग रहा है, बनी बनाई राह पर चलना मुश्किल लग रहा है, परोसे हुए थाल को खाना मुश्किल हो रहा है सुंदर साज। तो इतने हम आलसी होंगे तो कैसे चलेगा हमारी आत्म जागृति के लिए। इस दुनिया में भी अगर हमें कुछ बनना हो ना, डॉक्टर बनना हो, फिर भी कितने साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी नींद गंवानी पड़ती है। और उस प्रियतम को दिल में बसाने के लिए हमारे पास थोड़ा समय नहीं होता है, हम बहाने बना लेते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी पड़े हैं बरसों, नहीं बरसों पड़े हैं सुंदर साक्षी, समय आ गया है वापिस जाने का। ऐसे ही करते रहेंगे तो जो आनंद हमें लेना है वो नहीं ले पाएंगे। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है जो रूह सो करो विचार। वहां पे जाके देख लेंगे तो वहां पे तो है ही, धाम मेलो सदैव दुर्लभ मेलो संसार। जैसे कोई शराबी होता है, नशे में मस्त होता है, वो जो मस्ती करता है ना उसको इतना आनंद नहीं आता है जब धूर्त होता है, तब नशे में बेहोश होता है वो, लेकिन जब उसको देखने वाले होते हैं ना, जब जागृत होते हैं, उसको आनंद आता है उसको देख के। तो इसी प्रकार से हम वहाँ पे प्रेम के नशे में डूबे हुए हैं सुंदर साची। सहजल सुख में झीलते कब दुख ना सुनिया नाम जी, हमने कभी दुख का नाम भी नहीं सुना था, इसलिए हमें सुख की कीमत ही नहीं थी। यहाँ हमें अवसर मिला है, इत ही बैठे घर जागे धाम, जो मनोरथ हमने धाम में किए थे ना वो हम यहाँ पे आनंद ले सकते हैं ज्ञान से, क्योंकि वहाँ पे तो हम डूब जाते हैं, उनसे एक हो जाते हैं, वो मस्ती कुछ और है, ये मस्ती कुछ और है। और इसे हम यहाँ से ऐसे ही ना चले जाए सुंदर साहब जी, ऐसे ना गवाए इस अवसर को। तो श्री जी कह रहे एक कलाम रब्बानी उतरे, ऐसी वाणी इस ब्रह्मांड में उतरी है जहाँ आज दिन तक कोई नहीं जा सका है, और जहाँ फिरश्तों के भी पर जल जाते हैं, वो भी आगे नहीं जा सकते हैं। वो किसके लिए आई है, सो वास्ते मोमिन, तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ, और अभी भी तुमको मेरा प्यार नहीं दिख रहा है ना सुंदर सा जी। इतना सुन के हमें लग रहा है ना कि हर पल धनी मेहर कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। और बीतक का ये प्रसंग हमें यही सिखा रहा है कि धनी कैसे प्रेम की वर्षा हर पल हर घड़ी करते थे परम धाम में, करते आए हैं, चाहे हम पहली बार व्रज में आए, रास में आए, जब मोहम्मद साहब के द्वारा जो ज्ञान आया, हम वापिस से जागने के ब्रह्मांड में आए हैं, चाहे वो देवचंद्र जी का तन था या मिहराज जी का तन या छठा दिन मोमिनों का अब जो चल रहा है, हर पल परम हंसों के रूप में भी श्री जी हमारे साथ है राज जी हर पर हर घड़ी। अगर हम उन्हें ना पहचाने, जबरदस्ती आंखें मूंदे तो इसका कुछ नहीं हो सकता। सूरज उगा हो, हम आंखें बंद कर ले और हम कहे कि सूरज उगा ही नहीं है, तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है, कसूर किसका है।
उल्लू को अगर पूछा जाए कि बता सूरज कैसा है तो बता पाए, तो हम भी तो वैसे ही है बिल्कुल, कि हमने तो सूरज को ही ढक के रख दिया है कि ना इसकी रोशनी हमें जगा पाए ना इसकी रोशनी फैल पाए। तो हम ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं सुंदर साथ जी, छोड़ो इस राह को, किसकी शर्म किसकी मर्यादा राज्य के अलावा, ये राज्य ने अपना दिल निकाल के दे दिया है और अगर हम उसको सिर्फ कपड़ों में लपेट के रखेंगे तो हम किसका दिल दुखा रहे हैं, जरा ये भी तो सोचे। ये सारे जो दिल दुखा रहे हैं ना वो तो उनके अपने नहीं है। अगर कोई पराया पत्थर मारे तो पीड़ा नहीं होती है, कोई अपना समझ के पहचान के भी अगर फूल मारे ना फिर भी आह निकल जाती है। हम क्या कर रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं और किसको ढांप रहे हैं सुंदर साथ जी, अब भी समय है, अब भी हम संभल जाए, नहीं तो हमारी गति क्या होगी राज्जी ही जाने। तब भी राज्जी कह रहे हैं कि जब लग भूली तब लग ना ही दोष, जब जागी हक इल्म में फिर भूली सिर अफसोस। उनको हमारे जैसे सुंदर साथ पे अफसोस हो रहा है और इस गुनाह का, ये गुनाह शब्द तो बहुत छोटा है सुंदर साथ जी, शायद हमने जो किया है ना हमारे प्रियतम के प्रेम के साथ और दिल के साथ, उसके लिए इस ब्रह्मांड में कहीं भी शब्द नहीं है, ना हमारे धनी के प्रेम की कोई तुलना है, ना उन्होंने जो आशिकी निभाई है इस ब्रह्मांड में उसके लिए कोई शब्द है, और ना ही हमने जो निभाया है ना उनको, उनके दिल को दुखाने में, उसके लिए भी कोई शब्द नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं श्री जी, हमारे लिए ऐसा ज्ञान आया है, इन बात से समझियो यही मोमिन सके पहचान। बोल रहे हैं कि आप अपनी गरिमा को समझिए इस बात से कि कौन आपके लिए कैसा ज्ञान लेकर आया है, आपके साथ हर पल हर घड़ी कौन चल रहा है, आपका आशिक कौन है, आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, कौन आपको जगाने के लिए बार बार अपनी प्यारी रूह को भेज रहा है, बार बार बहाने कर रहा है, किसी ना किसी रूप में जगा रहा है, उसको पहचानो कि किसने आपको थामा हुआ है। क्योंकि हमारे तो ऐसा नहीं है कि माया में होते तब हमें दुख नहीं आता है, माया के लोग भी दुखी है, लेकिन हमें ना कोसने का समय चाहिए ना, मौका मिल जाता है कि राज्य के चरणों में आए और अक्षरातीत है बड़े नाम के और दुखी हो रहे हैं, दुखी तो हम अपने कर्मों से हो रहे हैं और अभी भी जो कर्म हो रहे हैं ना उसके लिए तो दुख से भी बढ़कर हमें कुछ मिलने वाला है सुंदर साथ जी, और मिलना ही चाहिए। और पता नहीं सीता ने तो अग्नि परीक्षा पास कर ली थी, हम कौन सी परीक्षा देंगे परमधाम में सुंदर साथ जी, जो हमने किया है उसके लिए। तो सिर्फ सुने ना सुंदर साची, ऐसी झूठी रस्मों को, झूठे रिवाजों को, अपने धन को गलत जगह ना जाने दे, अपने तन मन और धन को, वाणी को आत्मसात करने में, दूसरों तक पहुंचाने में, और जो पहुंचा रहा है उसका सहयोग दे, उसके साथ हो ले, अब भी समय है। झूठी मान मर्यादा को छोड़े, और यही ये सुंदर साथ सिखा रहे हैं हमें, और धनी हमें क्या बता रहे हैं, इन बात से जानियो यही मोमिन सके पहचान, जिनकी असल अरश में हके दिया ईमान। क्योंकि आपका मुझसे मूल संबंध है, आप परम धाम में हो, वहां से आए हो, इसलिए मैं आपको ये सब मेहर करके दे रहा हूं, नहीं तो इस ब्रह्मांड में ना कभी ये वाणी आई ना ही कभी आएगी। हमारे कारण इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलनी है सुंदर साथ जी, और हम क्या कर रहे हैं, और छोड़ो ना हम तो जो भुगतेंगे वो हमारे कर्मों के कारण, हमारे राज्य तो ऐसा प्रेम निभा रहे हैं ना, वो किस बात का गुनाह भुगतेंगे सुंदर साथ जी, जरा हम सोचे जब न्याय की लीला होगी तब उनको हमारे कारण सुनना पड़ेगा कि आपकी ब्रह्मात्माओं के लिए आप सब कुछ लेकर आए, आपने जिनको उत्तरदायित्व दिया था दुनिया में ज्ञान फैलाने के लिए, उन्होंने हम तक ज्ञान फैलाया नहीं, हम क्या करते, और हमारे कारण हमारे उस प्रियतम को सुनना पड़ेगा। जैसे अगर कोई महारानी राजा की रानी कुछ गलती करती है तो राजा को सुनना पड़ता है, हम वो सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हम महाराजों की नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सारा दिन ईमान सब कुछ है वागा वस्त्रों पर। तो हम सोचे सुंदर साथ जी कि हम क्या कर रहे हैं, अभी भी सिर्फ सिर हिला देंगे कि हाँ सच बात है, लेकिन क्या करें, तो फिर हम भुगतेंगे।
सिर्फ सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। अब तो हम करके दिखाए, धनी ने मूल निस्बत निभाई, उन्होंने ना इश्क छोड़ा ना ही निस्बत छोड़ा। वो कह रहे हैं कि नज़र से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। हम देख रहे हैं इस प्रकरण से कि हर एक चौपाई हमें बता रही कि कैसे सिर पर खड़े हुए हैं, सिर पर खड़े रात दिन, और फिर भी हम अगर जिसने हाथ पकड़ा है उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, और झूठे रिश्ते नातों पे हमें विश्वास है सुंदर साची, तो फिर रहेंगे हम यहाँ पर। तमे तमारी माया माहे सहजे भोगव जो सुख। आपको अपनी माया मुबारक हो, उसी में इतने जन्मों से लगते आए हो, आगे भी लगना। सुंदर साची हमारे लिए ही श्री जी कहते हैं कि अब हम चले धाम को साथ अपना ले, आपको आना हो तो आओ, अगर जो पीछे रह रहा है तो रहे, वो हम सब के लिए ही कहा गया है। बुरा लग रहा होगा सुंदर साची, आज सांच कहना सो तो काहू को ना रुचे, तो भी कछुक प्रकाशु सत, क्योंकि सत के साथी को सत के बांध शुभ सी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। अभी भी जिसका दिल दुख रहा है इन शब्दों से, वो जान ले कि उनके अंदर ही दज्जाल बैठा है, और उनसे अधिक कोई दुष्ट या पापी और कोई नहीं है। उनको दज्जाल को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उनको खुद के अंदर बैठे दज्जाल को ही मारना पड़ेगा। और अगर वो जीवित है ना, इस वचनों से दिल दुखी नहीं हो रहा है, लेकिन एक होता है कि पश्चाताप का दुख होता है, और दूसरा होता है कि बड़े आए कहने वाले खुद क्या कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का दुख हो रहा है ना सुंदर साथ जी, तो हम समझ ले कि दज्जाल कहीं बाहर नहीं है। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंतर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिराए देवे कल। हमारी ये जो दोस्त बन के जो वाणी राज जी ने भेजी है ना, जो हमारे परम धाम का बल है कि ल्याए पियू वतन थे बल माया जानी, उसको ढकने वाले हमारे दोस्त को छिपाने वालों की हम मर्यादा रख रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनके कहने पर झूठा चढ़ावा चढ़ा रहे हम श्री जी के। और जिस पर चढ़ावा चढ़ा रहे उन्होंने क्या बोला है, वो नीचे बैठकर वो भी दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि इतने गिर जाएंगे हम, वो तो उन्होंने भी सोचा ना हो। तो हम सोचे सुंदर साथ जी, श्री जी समझा रहे हैं उन सुंदर साथ को, और हमें सीख दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आप इस बात से समझ जाओ, हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, आपके लिए तो परम धाम का दरबार खोल दिया है। और बोल रहे हैं कि तुमको हक बुलावत करने मीठी बात, जिसको आज दिन तक इन 14 तबक की जहान में किन कहया ना एक हरफ, सो हरफ कैसे कहे भी किन पाई ना बका तरफ। जिस परम धाम की किसी ने तरफ भी ही नहीं पाई थी, वो प्रियतम हमें बुला रहा है करने मीठी बात। याद करो तुम तीन को, तुम हो हक की जात। हम किसकी जात है अब तो वो याद कर ले सुंदर साथ जी, और हम किसकी जात बन के बैठे हैं वो भी सोच ले। सिर्फ सर हिला लेने से, सिर्फ मान लेने से कि हमने ये किया है, कुछ नहीं हो जाएगा सुंदर साथ जी। जब सत्य की पहचान होती है, जब पता चल जाता है कि इस कोयले से मेरा हाथ जल रहा है, फिर भी वो कोयला अगर छूट नहीं रहा है तो उसमें हमारा ही कसूर है। राज जी तो हमें बार बार जगा रहे हैं, लेकिन अगर हम ना जागे तो उसका किसको दोष देंगे। दुनिया वाले हंसी करेंगे हमारे प्रियतम की कि आपकी ब्रह्मात्माओं को ये जान देने से अच्छा था कि आपने मीरा को दे दिया होता, रस खान को दे दिया होता, नरसैया को दे दिया होता, अरे दुनिया के मजनू को ही दे दिया होता ना, तो वो भी इसको फैला देता, वो भी इतना तो समर्पण करके दिखा देता। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर उड़ाए देवे अपना तन। और हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, सिर्फ सुनने में आनंद आ रहा है, पहले भी सुन रहे थे अब भी सुन रहे हैं। एक जैसे दुनिया वाले सत्यनारायण की कथा करते हैं वैसे ही भी तक कर लो, बहुत आनंद आया दीदी कल भी सुना देना। अरे जिसको सच में आनंद आ जाएगा ना, वो तो ध्यान में डूबना चाहेगा और उस प्रियतम का शुक्रगुजार करेगा कि प्रियतम हमें जगा रहा है, अभी भी जगा रहा था, वाणी भी तक दे के छोड़ नहीं दिया। तभी तो बोल रहे कि नींदे घोते दिए सुद बिना, ए जो सुपन के तन, तिनको भी हके ना छोड़िया। हम तो वाणी को पाकर भी, उनका हाथ पकड़ कर भी घोते खा रहे हैं पानी में,
वो मर्ज आप मर्जिया होए काढ़ी मुझे, और फिर भी हमें वापिस से उसी में डूबना है, उसी में घुटना है। सोचे ना सुंदर सार जी, हमारी आत्मा का आहार क्या है? वो तड़प रही होगी अंदर बैठकर। हमारा सबसे पहला कर्तव्य हमारी सत्य आत्मा के लिए, हम उसको आहार कब देंगे? कब तक इन झूठे शरीरों को ही आहार देने में, सजने सवारने में लगाएंगे, या इसी के मौज शौक में लगेंगे जो मुट्ठी भर राख हो जाने वाला है? कब हम उस आत्मा को आहार देंगे? उस आत्मा का आहार है खाना दीदार इनका, यासो जीवे ले विश्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तीन से मीटर प्यास, उसका दीदार करना है। खाना पीना छिन छिन लिया प्यार अरश्रुहन, पल पल माशूक देखना यही आहार आशिकन। अगर हम स्वयं को आशिक कहलाते हैं उस प्रियतम के, तो उसको देखना, उसका ध्यान करना, उसको चितवनी से दिल में बसाना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है सुंदर साची। और क्योंकि हम खुद राह से भटक रहे हैं, जो भटका रहे हैं उनके चरणों में जा रहे हैं, इसी के कारण ये सब हो रहा है। अब इससे ज्यादा प्रियतम क्या कहेंगे कि ध्यान ही वो मार्ग है। श्री जी ने वो करके दिखाया, वाणी का एक एक वचन हमें कह रहा है, और फिर भी अगर हम कहें कि ध्यान करने के लिए कहाँ लिखा है, तो जैसे मैंने कहा सरकार श्री हर बार कहा करते थे, तमे तमारी माया मारे सहजे भोगव जो सुख। अब इतना कहने पर भी जो नहीं समझ रहे हैं, ध्यान की राह नहीं अपना रहे हैं, उस प्रियतम की शोभा को दिल में नहीं बसा रहे हैं, तो उनके उनको उनकी माया मुबारक, उनको उनके महाराज और गुरु मुबारक, उनको उनके वागा वस्त्र मुबारक। लेकिन हम तो इस ज्ञान को लेकर चले हैं, जो श्री जी ने जो ज्योत चलाई हो उसी को सिरोधार्य करके चलेंगे, और हमारा तन मन धन हमारी हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ इस पे कुर्बान होगी। और जो कर रहा है कुर्बानी उसके साथ होले सुंदर सार जी, अब भी समय है। सिर्फ मोमिन कहलाने से कुछ नहीं होगा। तो बस सुंदर सार जी, समय आज शायद ज़्यादा हो गया है, हम चौपाई दोहराते, यहाँ से आगे क्या कुछ सुंदर सार जी अभी भी बाकी है। इतने प्यार से श्री जी हमें अभी भी सिखापन दे रहेंगे, वो हम बाकी का जो प्रसंग है वो कल देखेंगे। अभी हम चौपाई दोहरा देंगे सुंदर सार जी, कल हमें श्री जी समझाएंगे कि ये दज्जाल कि कौन कौन से हथियारे वो कैसे हमारे सिर पर हावी होती है। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साची, हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अचरज पावही पहुंचे न परवर दिगार, पहुंचे न परवर दिगार। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सार जी।